कैसे हैं आप लोग? देखकर अच्छे हो गए। अब आप बताएं कि आप सब लोग सुन पा रहे हैं अच्छे से? आवाज आ रही है ठीक से? चलिए तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत दृष्टि में। और आप लोग आज पहली बार शायद किसी क्लास में यहाँ पर आए होंगे, है ना? आप में से कितने विद्यार्थी एकदम नए हैं दिल्ली के लिए? अच्छा, दिल्ली लगभग पहली बार ही आप लोग आए हैं? लगभग पहली बार या पहली बार? कितने लोग पहली बार आए हैं दिल्ली एकदम? अरे वाह, क्या बात है। तो दिल्ली के बारे में क्या क्या सुना था? कुतुब मीनार, संसद भवन, लाल किला, इंडिया गेट, है ना? ये सब सुना था। और दृष्टि आई इस, बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो और अच्छी फीलिंग है मुझे कि लगभग सारे बच्चे दिल्ली के बाहर से आए हैं पहली बार। मेरा ख्याल था कि लगभग आधे बच्चे ऐसे होंगे जो दिल्ली में हैं, कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं और बाद में क्लास के लिए आए होंगे। लेकिन अब तो पता लग रहा है कि लगभग 70-80% बच्चे पहली बार दिल्ली आए हैं। चलिए, तब तो आपका और ज़्यादा स्वागत है। दिल्ली में भी स्वागत है और दृष्टि में भी स्वागत है, दो दो स्वागत आपके। ठीक है, मुझे आप लोग जानते होंगे शायद, मैं दृष्टि का एक मेंबर हूँ। मेरा नाम विकास देवीकीर्ति है और एक पूरी टीम जो आपके पक्ष में काम करती है उस टीम का समन्वयक मैं हूँ। समन्वयक समझते हैं? जो सब चीज़ों को आपस में जोड़ता है, समन्वयन करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ताकि आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो ठीक से मिल जाए। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आप अगले जो 1.5 साल की यात्रा हमारे साथ करेंगे, उस यात्रा में कोई दिक्कत आपको ना आए, उसकी अंतिम जिम्मेदारी मेरी है। और मैं इस बात को सुनिश्चित करूँगा कि आपको सभी चीज़ें, क्लासेस से लेके नोट्स, टेस्ट, जितने भी चीज़ें हैं, वो सभी वैसी मिले जैसी आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता चला कि कल IAS का 2021 का रिजल्ट आया फाइनल, पता लग गया आप लोगों को, और आप लोग उससे बहुत उत्साहित भी हैं, है ना? चलिए, तो मैं थोड़ा सा रिजल्ट से ही बात शुरू करता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे आपको क्या करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए। आपका वीडियो बन गया हो तो बंद कर लीजिए। अभी नहीं बना पूरा? नहीं, आप नहीं, आपके पीछे वाले छुप के बना रहे हैं, आपके साइड से बनाते हैं बार बार। फिर आपने भी रख दिया फ़ोन चुपचाप कि हाँ, आप बना नहीं रहे थे लेकिन आपके हाथ में फ़ोन था शायद। अब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है और आपको वैसे भी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, है ना? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत सीक्रेट है, खुफिया है और आप उसको लीक कर देंगे, ऐसा नहीं है, है ना? ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है और आपको ऐप पे मिलेगी। आपको पता ना कि आपकी ये क्लासेस हाइब्रिड हैं, जिसमें आप ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी हैं। यानी कि जो क्लास यहाँ होगी रोज़, वो आपको आपकी एप्लीकेशन पे भी मिलेगी, ताकि आप उसको एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, जितनी बार चाहें देख सकें। देखेंगे तो एक बार ही, लेकिन हाँ, तब भी ऑप्शन कम से कम ऐसा रहेगा आपके पास। देखिए, थोड़ा सा पहले रिजल्ट के बारे में समझते हैं और एक चैलेंज जो आपके सामने अभी है उसको भी समझेंगे। इस बार का जो रिजल्ट है उसको बोलते हैं 2021 का रिजल्ट। ये तो आप समझते ही होंगे, सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021। और एग्जाम का साल का मतलब होता है जिस साल प्रीलिम्स होगा, तो रिजल्ट हमेशा एक साल बाद आता है। तो 2021 में जो प्रीलिम्स हुआ, फिर जिसका मेंस जनवरी में इस साल हुआ, फिर जिसका इंटरव्यू लगभग 2 महीने चलता रहा, मार्च से मई तक, 26 मई को आखिरी इंटरव्यू था और 29 को क्योंकि संडे था तो हम उम्मीद कर रहे थे कि रिजल्ट 30 को ही आ जाना चाहिए, तो 30 को रिजल्ट कल आ भी गया। अब संयोग है कि आपकी क्लास 31 को थी, ये सोच के नहीं रखी थी बाई चांस ऐसा हुआ। तो जब कल रिजल्ट आया तो फिर उसमें कुछ घंटे मैं भी और मेरी टीम भी उसमें रिसर्च करने में लगे रहे। तो 2021 सिविल सर्विस का रिजल्ट है, हम इस रिजल्ट को समझेंगे और पूरा प्रोसेस समझेंगे क्या क्या है। 2020 से अगर मैं तुलना करूं थोड़ी सी, 2020 में कुल जो रिजल्ट था वो था 761। मैं हिंदी मीडियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुल बात कर रहा हूं, सीट्स कितनी थी। और इस साल जो रिजल्ट है वो है 685 फाइनल रिजल्ट, क्योंकि इस साल सीट्स कम है।
अब जो बच्चे आज से 4 दिन बाद एग्जाम देंगे, 5 दिन बाद, 5 जून को 2022 का एग्जाम, 2022 के एग्जाम में सीट्स हैं 1015, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल सिलेक्शन की संभावनाएं और ज़्यादा हो जाएंगी। और जब जब रिजल्ट कम होता है, सिलेक्शन की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, किसी के लिए भी कम हो जाती है, सिर्फ हमारी बात थोड़ा ना, किसी के लिए भी कम होती है। पिछले साल 761 में से जो बच्चे हिंदी मीडियम से हुए थे, मैंने करीब 21 बच्चों की लिस्ट क्लास में अनाउंस की थी, जिनमें से एक बाद में मुझे पता लगा कि उसका मेंस का मीडियम इंग्लिश था, इंटरव्यू हिंदी मीडियम में था, और मैं मान के चल रहा हूँ कि 2-3 और रहे होंगे, तो लगभग 20 से 25 के बीच में कोई संख्या रही होगी, 20, 21, 22, 23 ऐसा कुछ संख्या रही होगी। और जो हाईएस्ट रैंक था पिछली बार, वो रैंक था 246, एक सुनील नाम के स्टूडेंट का था, 246 रैंक, जो हिंदी माध्यम में पिछले साल का हाईएस्ट रैंक था। ठीक है, 2013 में जब से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम चेंज हुआ, 2011 में प्रीलिम्स का सिलेबस चेंज हुआ था, 2013 में मेंस का सिलेबस चेंज हुआ था, तो जब से 2013 में मेंस का सिलेबस चेंज हुआ, 2014 अटेम्प्ट में, यानी कि रिजल्ट कब आया हुआ इसका, 15, ठीक है, उसमें एक हमारे विद्यार्थी थे हिंदी साहित्य के, निशांत जैन, जिनका 13वां रैंक आईएएस में आया था। तो जो नया सिलेबस है, नया स्ट्रक्चर है एग्जाम का, उसमें अभी तक का हाईएस्ट रैंक निशांत जैन का है, 13th रैंक है। ठीक, उसके अगले साल कोई अच्छा रैंक नहीं आया, बट निशांत के बाद सेकंड रैंक भी जो था वो सीधे 195 पे था, सूरज, वो भी हमारा हिंदी साहित्य का स्टूडेंट था, उसका था, अभी वो छत्तीसगढ़ में एक बहुत सफल आईपीएस के रूप में काम कर रहा है, और निशांत राजस्थान कैडर में आईएएस है अभी। तो एक का टॉप रैंक के बाद सेकंड रैंक आमतौर पर फिर 200 के आसपास चला जाता है, ऐसा भी होता है। उसके बाद 2016 में 2-3 लोगों का रैंक आया पहले 100 में, जिनमें से एक का शायद 31वां रैंक था, जो मेरा एक स्टूडेंट था वो 33वें रैंक पर था, उसका नाम था गंगा सिंह राजपुरोहित, उनका 33वां रैंक था, लेकिन उस साल एक व्यक्ति उनसे आगे शायद 31वें रैंक पे था, मेरे ख्याल से गौरव उसका नाम था, और शायद उसी साल एक व्यक्ति का रैंक 80 के आसपास हिंदी माध्यम से था, करीब 2-3 लोग उस साल सेलेक्ट हुए थे। 2016 एग्जाम के बाद से आप कह सकते हैं कि सूखा पड़ा हुआ था, 2017 से चीज़ें खराब होनी शुरू हुई, 2018 में अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो 337 रैंक रवि का था, 19 में उनका 317 रैंक था, और वो दोनों बार हाईएस्ट रैंक पे थे हिंदी माध्यम में, और ऐसा होता है बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार रैंक बहुत इम्प्रूव नहीं हो पाता, कई फैक्टर्स काम करते हैं, आज समझेंगे कौन से फैक्टर्स हैं। 2020 में रवि का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और उस साल जो मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट रैंक कौन सा था, 246 था, ये पिछले कुछ साल का स्टेटिस्टिक्स है। इस साल जो हमारे पास रैंक्स हैं, पहली बात तो ये कि सिलेक्शंस कितने हैं अभी एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, क्योंकि कल ही रिजल्ट आया है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी और शहर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका रोल नंबर हर साल चेंज होता है, तो हमें तब तक नहीं पता लगता जब तक हमसे संपर्क ना हो, तो अभी अनुमान मेरा है 35 के आसपास का, और जो निश्चित संख्या मेरे पास आ चुकी है वो 25-26 के आसपास आ चुकी है, तो मैं मोटा मोटा 25 से 35 के बीच में कोई संख्या मान के चल रहा हूँ अभी, क्योंकि रिजल्ट कल ही है, आज से 10 दिन बाद आप पूछेंगे तो मैं शायद और स्पष्ट बता पाऊँगा 28 हैं कि 30 हैं कि 32 हैं कितने हैं। और हमारे पास संख्या केवल उन बच्चों की होती है जो हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसे 2-3 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे हो सकते हैं जो हमसे ना कनेक्टेड रहे हों, तो ये ज़रूर है कि अगर 30 का सिलेक्शन हुआ हो तो उनमें से 27-28 दृष्टि से जुड़े रहे होंगे, ये तय है, लेकिन बाकी बच्चे जब तक उनकी सूचना ना मिले मैं पूरी संख्या कैसे बताऊंगा आपको। इस बार जो अच्छी बात है वो ये है कि शुरुआती रैंक सबसे ऊपर 18वां रैंक है, आपको पता ही है, जग जाहिर है ना, वो रवि का ही है। इसके बाद नंबर 2 पे 22वां रैंक है, कल मेरे पास सुनील का फोन आया, उससे 10 मिनट पहले मुझसे किसी टीचर ने पूछा कि क्या रिजल्ट आने की उम्मीद है,
इंटरव्यू के जो पैनल मेंबर्स हैं उनमें से एक ने पूछा ग्रुप पे हमारे कि क्या इस क्या आज रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो मैंने मजाक में लिखा कि रिजल्ट और मानसून अब समानार्थक शब्द हैं, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन भरोसा कुछ नहीं है। जब मन करेगा आ जाएंगे, मौसम विभाग कहेगा अरे 3 दिन पहले ही आ गया, है ना, अब कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो उसके आधे घंटे बाद बाई चांस रिजल्ट आ ही गया, और इसमें ऐसा नहीं कि कोई मैंने भविष्यवाणी कर दी, रिजल्ट कल आना ही था, नहीं तो आ जाता, कल ही आज भी आना ही था, क्योंकि 5 को प्रीलिम्स है और प्रीलिम्स से पहले रिजल्ट निकाल देना यूपीएससी की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक नहीं है, पर नैतिक जिम्मेदारी तो है ही, ताकि जिनका हो गया आईएएस में वो फिर से क्यों अटेम्प्ट देंगे। अब रवि कल फ्री हो गया, वरना प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा होता अभी भी, अब फ्री हो गया, सुनील फ्री हो गया। तो सुनील का फ़ोन आया और उसने पूछा कि सर बताइए क्या रैंक है मेरा, मुझे उससे पता लगा कि रिजल्ट आ गया है पिछले 2-4 मिनट में, और तब खुशी का ठिकाना नहीं था उसका, 22वां रैंक। अच्छी बात है कि उसके बाद भी कुछ रैंक हमारे पास अच्छे हैं, जैसे एक रैंक 104 इस बार है, प्रहलाद नाम है उस विद्यार्थी का, प्रहलाद नारायण शर्मा, कल बल्कि वो मेरे साथ था, तो जो मेंटरशिप वाले बच्चे उनसे मैंने मिलवाया उसको, और उसने एक बहुत जोश भरा भाषण उनको दिया जिससे बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। ये वो बच्चे हैं जो प्रीलिम्स देने वाले हैं इस साल, आज से 5 दिन के बाद, आपके सीनियर हैं, यहाँ से लगभग 3 क्लासरूम के बाद उनकी लाइब्रेरी है, मेंटरशिप लाइब्रेरी, वहाँ बैठ के वो पढ़ते हैं। उसके बाद एक और है बहुत ही शानदार कैंडिडेट, उसका रैंक 147 है, उसका नाम है मयंक दुबे। उससे मेरा पहली बार मिलना हुआ इस बार मॉक इंटरव्यू में, और मैं दंग रह गया कि इतना अच्छा इंटरव्यू कैसे कोई दे सकता है, इतना बढ़िया इंटरव्यू दिया उसने। तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ थे अब तक छुपे रुस्तम भाई, तो पता लगा वो यहाँ था, मुझसे मिलना नहीं हुआ था, और हिंदी साहित्य का ही स्टूडेंट भी था, और मेरी गट फीलिंग थी कि इस बार वो बहुत शानदार रैंक लाएगा। 147 है, इंटरव्यू में जितना उसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, वरना मेरे ख्याल से वो ही पहले 100 में ज़रूर होता। अच्छा, 147 से पहले 100 में आने का मतलब क्या है, 5 नंबर कम है सिर्फ, 5 और होते तो 100 में होता। जैसे मैं भी आपको एक कल्पना करके बताता हूँ, अब ये कल्पना समझते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक संभवतः 206 रैंक पे एक विद्यार्थी है, आनंद नाम है उसका, बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट है, पिछली बार भी सिलेक्ट हुआ था, इस साल भी सिलेक्ट हुआ और इस साल अच्छे रैंक पे हुआ। मेरे ख्याल से ये सब लोग प्रॉपर आईएएस में आ जाएंगे, अगर मयंक जनरल से है तो आईपीएस, बाकी सब तो आईएएस में आ ही गए। ये जो मैं 25-26 बता रहा हूँ, इनमें से कम 7 से 10 प्रॉपर आईएएस में आएंगे, क्योंकि आईएएस कैसे बनते भी समझते हैं, मैं आपको थोड़ा एक टेबल बना के समझाऊंगा, ताकि आप समझ लें कि आईएएस बनने का मतलब क्या है, उसके लिए कौन सा रैंक आना ज़रूरी है, उसके लिए कितनी मेहनत करना ज़रूरी है, वो सारी बातें स्पष्ट हो जाए। तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार अगर 761 में से 20 लोग थे तो लगभग 2.5% के आसपास फाइनल रिजल्ट था, उस 3 के बीच में, मान लीजिए 2.5 से 3 के बीच में। इस बार अगर ये संख्या मतलब 33-34 के आसपास है तो ये 5% के आसपास है, अगर 25 से 30 के बीच में तो 4% के आसपास है। पिछली बार की तुलना में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा संख्या में बेहतर है, और संख्या से ज़्यादा बेहतर किस चीज़ में, रैंक में बेहतर है। और जब ऐसी घटना घटे तो हमारे मन में एक सवाल तो आना ही चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। पिछले साल तक 246 रैंक था, 317 था, 337 था, 3 साल से लगातार, यानी पिछले 3 साल से 245 रैंक्स में एक भी बच्चा नहीं था, इस साल अचानक इतने अच्छे रैंक्स हैं, और इस साल सिलेक्ट होने वाले बच्चों की संख्या भी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, क्या कारण रहा होगा। और ये तब है जबकि इस बार सीट सबसे कम थी अब तक की, पहले अब तक की मैंने पिछले कुछ सालों में 685 सबसे कम रिजल्ट है, पहले तो 300 सीटों पर भी एग्ज़ाम हुआ है, 400 पर भी हुआ है, आजकल की तुलना में बात करूँ तो 685 थोड़ा सा कम रिजल्ट है। अब मैं हर वर्कशॉप में ना, मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर हिंदी माध्यम का पहला रैंक कब आएगा, तो मैं हर बार बोलता हूँ मुस्कुरा के कि
आ जाएगा, और उसके लिए जान मत दो, पढ़ाई करो, क्योंकि रैंक 1 हो या रैंक 75 हो, या अगर आप रिजर्वेशन में हैं किसी तरह की, तो रैंक 300 हो, 400 हो, आप बनेंगे IAS। और केवल कुछ दिनों के धूम धड़ाके के बाद किसी को याद नहीं रहता कि आपका रैंक क्या था। कल रिजल्ट देखा आपने ठीक से? किस किस ने देखा ध्यान से यूट्यूब पे? बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने देखा है। रैंक 1 तो आपको पता है किसका था, रैंक 2 किसका है? नहीं पता, वही मैं दिखाना चाह रहा था। अच्छा, रैंक 1 कितने लोगों को पता है हाथ खड़ा करने? बहुत बढ़िया। और रैंक 3 कितने लोगों को पता है हाथ खड़ा करने? ऐसे करें, अभी याद करूंगा, याद करूंगा। अगर अगर बता भी दोगे तो क्या हो जाएगा उससे? मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि रैंक 1 सबको पता है, रैंक 3 मुश्किल से 50 लोगों ने हाथ खड़ा किया। आप 3 बताएंगे, मैं 7 पूछ लूंगा, वो तो नहीं पता होगा। फोर्थ किसका है? नहीं, मुझे तो 2 भी नहीं पता। अच्छा, नहीं मतलब मैंने सुना है कि पहले 4 रैंक लड़कियों के हैं, मैंने ऐसा सुना है। लड़का है? अच्छा ठीक है, तो इससे बहुत खुश है कि चलो चौथा तो लड़का आ गया। अच्छा, तो लड़के का नाम ऐश्वर्य है, तो ठीक है। ऐश्वर्य मूल रूप से पुल्लिंग शब्द ही है, ये तो ऐश्वर्य राय ने उसको फीलिंग बना दिया है। लेकिन ऐश्वर्य का मतलब क्या है? ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर से जो जुड़ा हुआ है, वो ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य मूल रूप से तो पुल्लिंग शब्द है, उसमें ऐसी क्या दिक्कत है? अच्छा, इसलिए सबको लग गया कि ये तो फीलिंग शब्द ही होगा, कन्फ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कहने का भाव ये है कि रैंक पहला है तो कुछ दिनों तक आप स्टार रहेंगे, टीवी पे, यूट्यूब पे, अखबारों में रहेंगे। पर ये हो सकता है ना कि रैंक 9 जिसको कोई नहीं जानता था, वो एक कलेक्टर के रूप में ज़्यादा अच्छा साबित हो जाए, या रैंक 68 जिसको किसी ने जानने योग्य समझा भी नहीं, शानदार अधिकारी बन जाए। क्या फर्क पड़ता है? 5-7 दिनों की बात है। लेकिन मुझे फिर भी लगा कि एक बार थोड़ा सा हम कल्पना करें कि चीज़ें कहाँ बिगड़ती हैं और कैसे संभावनाएं बन सकती हैं। अगर मैं रैंक 1 और रैंक 18 की तुलना करूं, रैंक 22 की नहीं करेंगे क्योंकि उसमें 2 स्थानों पर अंतर आएगा, 1 और 18 में तुलना और अच्छी हो पाएगी, तो वहां से देखते हैं। कल एक तो मार्कशीट रिलीज की UPSC ने सारे कैंडिडेट्स की सिलेक्टेड, जिसमें बताया कि प्रीलिम्स में स्कोर कितना है, मेंस में स्कोर कितना है, इंटरव्यू में स्कोर कितना है। वो तो सबकी एक साथ एक लिस्ट में आ गई, मेंस और इंटरव्यू का स्कोर। एक मार्कशीट होती है जो उस कैंडिडेट के ईमेल पे जाती है, या एक जो उनका क्या बोलेंगे डोमेन है उस पर जाके खोलनी पड़ती है, और उसमें एक पासवर्ड होता है जो कैंडिडेट खुद यूज़ करता है, उसके बाद देख सकता है। तो जो बच्चों की मार्कशीट है वो हमें तब मिलती है जब वो बच्चा खुद चाहे। तो कल से अब तक मेरे पास लगभग 100-150 मार्कशीट्स आ गई हैं, पर वो पर्याप्त नहीं है कि मैं पूरा विश्लेषण आपके सामने कर सकूं। कुछ हिंदी मीडियम की, कुछ इंग्लिश मीडियम की, बहुत सारी, लेकिन टॉपर की मार्कशीट मुझे अब तक नहीं मिल पाई है, जबकि 2-3 लोग उस पर लगातार कोशिश कर रहे थे, पूरी मार्कशीट नहीं मिल पाई है। तो मुझे ये नहीं पता कि उनके SA में कितने मार्क्स आए, ऑप्शनल में कितने आए, और अलग अलग कितने हैं, GS पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, पेपर 4 में, वो नहीं पता है। लेकिन जो जनरल स्कोर है वो तो पता ही है, वो तो पूरी दुनिया को पता है। तो रैंक 1 के जो मेंस के मार्क्स हैं वो हैं 932, और ये इतने ज़्यादा हैं कि सेकंड रैंक जो है उससे लगभग 61 नंबर ज़्यादा है, 61 ज़्यादा है। ऐसा अक्सर होता है कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 इनमें बहुत गैप होता है, उसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 25-30 रैंक के बाद 1 नंबर, 50 रैंक के बाद 1 नंबर पे 2-2, 3-3, 200 रैंक के बाद 1 नंबर पे 6-6, 7-7, 400 के बाद 1 नंबर पे 10-10, 12-12 टंगे होते हैं। ये सामान्य बात है। तो 932 इनके मेंस में है, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में इनके नंबर मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि खतरनाक हो, 173 नंबर है, और ये दोनों जोड़ देंगे तो ये नंबर बनते हैं 1105।
कितने में से? आपको पता है कि मुख्य परीक्षा 1750 की होती है और इंटरव्यू 275 का होता है, तो 2025 नंबर का सारा खेल होता है। तो 2025 में से इतने नंबर हैं, मतलब परसेंटेज में 55 भी नहीं होते हैं, यूपीएससी में ऐसा होता है। इससे गलत फहमी मत पाल लीजिएगा कोई, मतलब कई बच्चे सोचते हैं बस इतना ही, अरे मैं तो 80% वाला हूँ, 90% वाला हूँ, है ना। तो आपके जो 90% आए हैं वो यहाँ काम नहीं आते, यहाँ 50 लाने में ही मतलब नानी दादी सब मर जाती है यहाँ पर, बड़ा बड़ा मुश्किल काम है यहाँ। अब इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखते हैं कि जो हमारे हिंदी माध्यम के टॉपर है रवि, उनके मेंस में कितने कितने मार्क्स आए। इस बार उसका अटेम्प्ट शानदार हुआ था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जब वो मेंस की तैयारी कर रहा था तो बहुत सारे आंसर चेक किए थे मैंने भी, और मैंने फिर उसको लिखे सुझाव भेजे कई बार। इस बार मैं तो निश्चिंत था ही, हमारी टीम के बाकी लोग भी जो मेंटरशिप टीम में थे काम कर रहे थे। असल में 3 साल से रिजल्ट ऐसा था कि कहते डर लगता था मुझे। क्या होता ना कि जब आप बार बार हादसों से गुजर रहे हो तो अच्छी संभावनाएं भी है, तो आप बोलने से बचते हैं कि भाई कहीं फिर कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन मैंने अपने बहुत कोर ग्रुप को ये बात कई बार कही थी और भी दोस्तों ने कही थी कि इस बार कुछ होना चाहिए। मैंने रवि से कहा था कि भाई मेरे ख्याल से जो पर्सनल बातचीत में कहा था कि सब ठीक रहे तो पहले 10-20 रैंक में होना ही चाहिए। और संयोग से एक और सिविल सर्वेंट है, मतलब हिंदी माध्यम का ही सिलेक्टेड कैंडिडेट है, कुछ दिन पहले वो मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे पूछा कि सर इस बार क्या उम्मीद है, वो एग्ज़ाम नहीं दे रहा इस बार। तो मैंने उससे वैसे ही कहा था, मैंने कहा देखो कहते हुए डर लगता है लेकिन अगर सब ठीक रहे तो पहले 10-20 रैंक में रवि को तो आना ही चाहिए, और एक दो कैंडिडेट्स और हैं जिनकी संभावना बहुत प्रबल है। अब कल उनका मैसेज आया कि सर आपने उस दिन कहा था और इस बार बहुत साल के बाद चीज़ें ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि रवि की जो तैयारी थी वो उस स्तर पे आ गई थी जहाँ कुछ कहने को बचता नहीं है। हिंदी साहित्य उसका विषय था, उससे वो मेरा स्टूडेंट था। अल कोई व्यक्ति हिंदी साहित्य का पेपर लिखे 19 क्वेश्चन एक पेपर में, 19 दूसरे में, 38 की 38 क्वेश्चन एकदम शानदार लिखे हों, आप नंबर कहाँ काटेंगे? उसको भी नहीं पता नंबर काटने का। और इस बार ऑप्शनल में 500 में से जिनके 250 नंबर हैं वो अच्छे नंबर हैं। इस बार जो मार्किंग का लेवल है 250-260 अच्छे नंबर हैं इस बार। और उसमें रवि के ऑप्शनल में जो नंबर आए हैं वो 284 आए हैं, जिसके आसपास पूरी यूपीएससी में मेरे ख्याल से अगर मेंस 12,000 ने दिया होगा तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 50 से 100 लोग मैक्सिमम होंगे जिनका स्कोर इतना आया होगा किसी भी विषय में, सारे विषय मिला के बता रहा हूँ। और हिंदी माध्यम में मैंने जितनी मार्कशीट देखी मैं सारे देख नहीं पाया, लेकिन वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स दिख रहे हैं। जीएस में वो पिछले कई सालों से जब जब एग्जाम दिया हिंदी मीडियम में, जीएस में उसका टॉप रैंक आता ही आता है, हर बार आता है। इस बार मार्किंग थोड़ी सी ठीक है हिंदी मीडियम में जीएस की, और जीएस में उसके 424 नंबर आए। हिंदी मीडियम में 400 मतलब बहुत शानदार नंबर होते हैं। इस बार 3-4 लोग दिख रहे हैं जो 400 प्लस, जैसे आनंद के 420 नंबर हैं, जो सुनील है उसके 419 शायद नंबर है, एक दो के और 405 401 के आसपास है। 400 प्लस में 4-5 लोग इस बार हैं हिंदी मीडियम में, जो कि बड़ी बात है। अब मैं इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की मार्कशीट मिले नहीं है कि मैं कंपैरिजन कर सकूं कि उनका स्कोर कहां तक गया। अगर उनका 440 के आसपास है, 45 है, तो बहुत खुश होंगे क्योंकि गैप उतना ज़्यादा नहीं है। वरना जीएस में थोड़ा गैप रहता है इंग्लिश और हिंदी के बीच में, जो कि टॉपर्स के बीच में आमतौर पर 50 नंबर के आसपास का होता है। इस बार का मैं भी देख नहीं पाया हूँ, आते आते ही मैंने कोशिश की पर मुझे टॉपर्स की मार्कशीट नहीं मिल पाई अभी तक, क्योंकि एक ही दिन हुआ ना, धीरे धीरे मिलेगी, फिर हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस साल जो रिजल्ट शानदार हुआ ना, उसकी वजहों में से एक वजह है एससी। अब ये वजह क्यों है ये आपको शायद थोड़ा सा आश्चर्य होगा, मुझे नहीं पता आपको इस बात का आइडिया है या नहीं कि एससी का पेपर इस बार किस प्रकार का आया था। कुछ आइडिया है आपको इस बात का?
नहीं आइडिया होगा, बहुत कम लोगों को आइडिया होगा, अभी समझाता हूँ। ऐसे में रवि के 143 मार्क्स थे, कितने में से 250 में से। आपको ये सब पता है ना कि क्या क्या होता है प्रीलिम्स और मेंस में। इस बार खास बात क्या हुई, मतलब इस बार का रिजल्ट अच्छा होने की दो वजह हैं जो मैं देख पा रहा हूं। दो कारणों में से एक कारण यह है कि इस बार निबंध का प्रश्न पत्र अलग किस्म का आया, वो गेम चेंजर है इस बार का। कैसी गेम चेंजर है? निबंध के प्रश्न पत्र में ऐसा क्या हुआ? निबंध के प्रश्न पत्र में इस बार यह हुआ कि जो ऐसे होता है, आपको शायद आइडिया होगा कि आपको यूपीएससी में दो ऐसे लिखने होते हैं। पहले एक लिखना होता था, पिछले कुछ सालों से दो निबंध लिखने का नियम आ गया है। और आमतौर पे क्या होता था कि जो पहला ऐसे होता था, चार में से एक लिखना होता था, और ये भी चार में से एक लिखना होता था। एक जनरल ट्रेंड ये था कि पहले चार टॉपिक यानी एक वर्ग में चारों टॉपिक्स अमूर्त किस्म के होते थे। अमूर्त का मतलब दार्शनिक किस्म के, जिनको देख के कुछ समझ में ना आए, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की नॉलेज काम ना आ पाए, ऐसे होते थे। और दूसरे वर्ग में क्या होता था कि कॉन्क्रीट टॉपिक्स यानी कि मूर्त विषय यानी कि जीएस के बाकी विषयों से जुड़ते हुए विषय आते थे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई आपसे टॉपिक पूछे कि भाई जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, आप तो एकदम नए बच्चे हैं, आपको शायद इसका मतलब ना पता हो, और टॉपिक आ जाए जुडिशियल एक्टिविज्म इज इट गुड फॉर डेमोक्रेसी, क्या न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। अभी आपको हो सकता लगे कि ये कैसा टॉपिक है, लेकिन जब आप पॉलिटी पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कि जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका का ज़्यादा एक्टिव होकर कुछ ऐसे फैसले देना जो काम दरअसल कार्यपालिका का था, सरकार का था, या विधायिका का था, कोई कानून बनाने का काम था। अगर न्यायपालिका ज़्यादा सक्रिय होकर कार्यपालिका और विधायिका के काम में दखल देने लगे, उनके काम खुद करने लग जाए, इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो हमारे देश में जुडिशियल एक्टिविज्म पिछले मतलब 1980 के आसपास से कहते हैं कि ठीक से शुरू हुआ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट आ गया उस समय, जिसको जनहित याचिका आपने सुना होगा, वो कंसेप्ट आ गया। संविधान के आर्टिकल 32 की व्याख्याएं अलग तरीके से होने लगी। तो उस समय सबने कहा कि अच्छा तो है, मज़ा तो आ रहा है। जैसे अभी आप देखेंगे एनकाउंटर आजकल ठीक ठाक मात्रा में हो जाते हैं। एनकाउंटर अच्छा है या बुरा है, युवा लोगों से पूछे बोलते हैं अच्छा तो हो रहा है, तुरंत न्याय मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, खबरें अच्छी आती है, देखने में मज़ा आता है। पर उनको अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि ये अंततः एक सिस्टम के लिए, संविधानवाद के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए अच्छी बात होगी या नुकसान की बात साबित होगी। क्योंकि अंततः यदि ऐसी कल्चर डेवलप हो जाती है एनकाउंटर की, तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को किसी अपराधी या आरोपी को मारने के लिए अदालत की ज़रूरत नहीं है। फिर तो मॉब लिंचिंग भी अच्छी है, जनता ने पुलिस की भी जरूरत नहीं समझी, चोरी हुई तुरंत फैसला हुआ, निपटाया उसको, वहीं मिट्टी का तेल डाला, आग लगाई, काम खत्म, तत्काल न्याय हो गया। अगर हम तत्काल न्याय के सिद्धांत पर चलेंगे तो कुछ दिन कुछ मूर्ख किस्म के लोग कहेंगे कि मज़ा आ गया, तुरंत न्याय होता है, देर नहीं होती है। लेकिन इसमें खतरा हमेशा ये है कि अगर 50 लोग मिलकर नारा लगाने लगें कि 51वां आदमी बच्चा चुरा के भाग रहा था, जबकि वो नहीं भाग रहा था, उसे पता भी नहीं, पर 50 लोग चिल्ला रहे हैं, हो सकता है उन 50 की दुश्मनी उस व्यक्ति से हो किसी बात को लेकर, और उनमें से एक कहे मारो मारो, सब कहे मारो मारो मारो, आसपास की भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ को इमोशनल करने के लिए क्या कहना है, बच्चा उठा के भाग गया था, बल्कि छोटी बच्ची उठा के भाग गया था। अब उस समय भीड़ विवेकशील निर्णय देगी या भावनाओं बह जाएगी, उस समय बह जाएगी, मारो 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 मारो, खत्म, जला दिया। और वो आदमी सोच रहा हुआ क्या, मैं तो यहां से गुजर रहा था और गुजर गया। अब आप ये बताएं, मॉब लिंचिंग, एनकाउंटर्स, इन चीजों से सुन के मजा आता होगा आपको कभी कभी, लेकिन एक लोकतंत्र के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के लिए, एक संवैधानिक देश के लिए लॉन्ग टर्म में ये चीजें सही होंगी या गलत होंगी? गलत होंगी।
पर ये अच्छी क्यों लगती हैं? क्योंकि न्याय मिलने की प्रक्रिया इतनी लंबी है और इतनी बोझिल है कि आमतौर पर न्याय मिल नहीं पाता, और जब न्याय नहीं मिल पाता लोग इतने परेशान हो जाते हैं, और अंत में लोग परेशान होकर सोचते हैं कि इससे तो अच्छा है सीधे निपटाओ। और यूपीएससी के एस्पिरेंट को समझना पड़ता है कि कहाँ तक अच्छा है कहाँ बुरा है, ये अंतर समझना चाहिए। तो मान लीजिए टॉपिक आ गया जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशरी काम कर रही है कार्यपालिका का विधायिका का, अच्छा तो लगता है। संसद कानून पारित कर ही नहीं रही थी, न्यायपालिका ने कर दिया एक बार में आदेश, अब से ऐसा होगा। कार्यपालिका कुछ काम नहीं करने के मूड में थी, अदालत ने कहा करना होगा नहीं तो हम करेंगे, आज से हम शुरू कर देंगे, कितना मजा आता है। लेकिन एक सिस्टम के चलने के लिए ज़रूरी क्या है, सभी अंग बैलेंस में रहें या कोई अंग कैंसर की तरह बढ़ जाए, बैलेंस में रहें। तो ये टॉपिक है, जिस दिन आप पॉलिटी पढ़ लेंगे, पॉलिटिकल से शुरू हो रही है आपके बैच में, आप वहीं से शुरू करने वाले हैं, जिस दिन आप भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान समझ लेंगे, 50-60 दिन लगते हैं, 60 दिन में आप संविधान के विशेषज्ञ हो जाएंगे। फिर कोई कुछ बोल के देखिए आपसे, खटाक से आर्टिकल निकालना संविधान का, गिरा देना उसके ऊपर, कॉन्फिडेंस का लेवल अलग हो जाता है उसके बाद। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझ में आ जाते हैं क्योंकि आपने जीएस में उन टॉपिक्स को पढ़ा है। जुडिशियल एक्टिविज्म आप पढ़ेंगे ही, इतना ही है कि 200 शब्दों में नहीं लिखना है, 1000 में लिखना है, और इतना पढ़ते ही है कि 1000 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। लेकिन जो ये वाला टॉपिक था ना, जैसे एक टॉपिक है सत्ता ही सत्य है और सत्य ही सत्ता है, इसी को उल्टा कर लीजिए, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, कुछ लोग इसको इस तरह से कहते हैं। ये रियल को बोलते हैं सत्ता या सत्य, और सत्य को बोलते हैं तार्किक कह देते हैं, तो कहीं कहीं सत्य ही तार्किक है भी चलता है, अनुवाद का खेल है। हीगल नाम का एक दार्शनिक था, उसका कथन है द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। अब इस टॉपिक पे जब मैं फिलॉसफी पढ़ाता था ना, तो ये एक टॉपिक था हमारे सिलेबस का, तो मैं हीगल को पढ़ाते हुए शुरू में बोलता था मजाक में कि देखो हीगल एक जादूगर है, और हीगल की सबसे रोचक बात है कि हीगल को पूरी दुनिया में आज तक एक ही व्यक्ति समझ पाया है, और वह है हीगल। और कुछ लोगों को डाउट है कि वो भी समझ पाया था या नहीं, वो इतनी अमूर्त बात करता है, हालांकि इंटरेस्टिंग बात करता है। अब जीएस पढ़ने वाला बच्चा, उसके सामने टॉपिक आ गया सत्य ही तार्किक है और तार्किक ही सत्य है, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, या ये कि सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता, ट्रुथ इज लिव्ड नॉट टॉट। आपको ये टॉपिक सुन के अभी अच्छी फीलिंग आ रही है या कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा अजीब सा है? अजीब सा लगेगा अभी तो, सीधी सी बात है, अजीब सा लगेगा। कुछ बच्चे साहसी किस्म के होते, बोलते नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं करना है, हीरो नहीं बनना है, हीरो बनने से आईएएस भी बनते हैं, आईएएस बनने के लिए बैलेंस चाहिए है ना, और सबसे बड़ा गुण जो चाहिए उसको बोलते हैं परसिवियरेंस, यानी कि निरंतर मेहनत करने की लगन जो होती है वो चाहिए, हीरोपना नहीं चाहिए उसके लिए, आईएएस बनने के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। अब होता क्या था कि जो दर्शन के साहित्य के बैकग्राउंड के लोग हैं वो इनमें आमतौर पर थोड़ा सा अच्छा लिख पाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें वो पढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रम वगैरह में, पर जब आप एक तरह से लगातार सोचते हैं तो सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, फिर टॉपिक कितना भी अमूर्त आए आप लिख लेते हैं आराम से, कोई मैंने दिक्कत नहीं आती है। और ये टॉपिक तो जनसाधारण के लिए था ही, लंगर की तरह से हर व्यक्ति उस पर निबंध लिखे आराम से, सब लिखते थे बढ़िया से, तो मैनेज हो जाता था। लेकिन निबंध में ज़्यादा फायदे में वो लोग रहते थे जो थोड़ा सा साहित्यिक दार्शनिक टच दे पाते हैं निबंधों में, उनको फ़ायदा होता था। इस बार यूपीएससी ने क्या किया, इस बार यूपीएससी ने 8 के 8 निबंध अमूर्त पूछे, 8ों निबंध अमूर्त, और 2 वर्गों में 4-4 थे ही। इससे ये हुआ कि जिनको अमूर्त निबंध लिखने में दिक्कत थी, अच्छा पहले क्या था कि 4 अमूर्त वाले में भी ना एक आध ऐसा आता था जो सेमी एब्स्ट्रैक्ट होता था, कि थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता था जीएस से, इस बार उन्होंने पता नहीं क्या सोच के ऐसा किया, 8ों विषय अमूर्त पूछे, और ऐसे अमूर्त पूछे कि बहुत लोगों को वहां पर ना मतलब
हार्ट फेल होते होते बचा, समझ नहीं आ रहा था। 1200 शब्द लिखने हैं उसके ऊपर। और जब कुछ बच्चे आए, मेरी दो चार से बात हुई, मैंने कहा कौन सा लिखा, बोले एक मिनट रुको देख के बताते हैं। मैंने कहा याद तो होगा, बोले नहीं नहीं कोई याद नहीं है, कुछ पता नहीं क्या था, रुको। फिर पेपर खोल के बताया कि तीसरा लिखा और पांचवा लिखा। मैंने कहा नाम तो बताओ टॉपिक का। फिर टॉपिक का नाम पढ़ पढ़ के बताया कि ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा क्या लिखा, बोले ये मत पूछो हमें भी नहीं पता, बस पेज भर दिए हैं, जो पांच पेज छह पेज भरने होते हैं भर दिए हैं, पहली बात का दूसरी बात से कोई लिंक है या नहीं ये मत पूछो, टॉपिक पे ही है या नहीं ये मत पूछो, बस हर पेज पे टॉपिक की स्टेटमेंट तीन तीन बार लिख दी है ताकि ऐसा लगता रहे कि वही टॉपिक चल रहा है, उसके अलावा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे लगे कि उस टॉपिक की बात चल रही है। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे जो मार्कशीट देखी है इस बार, अभी सारी देख नहीं पाए पर मेरा अनुमान है कि इस बार ठीक ठाक आबादी को निबंध में 100 से कम नंबर मिले हैं, 95, 97। इंटरव्यू का तो पूरा मिल गया हमें डिटेल सभी, निबंध की नहीं मिल पाई हैं सारी की सारी, और ऑप्शंस की नहीं मिल पाई हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की नहीं मिल पाई हैं। इंटरव्यू तो अलग से है, वो तो लिस्ट आ गई पूरी यूपीएससी की, वो तो है। लेकिन ऐसे में जो मार्कशीट्स मैंने देखी उनमें से बहुत लोग हैं जो दो अंकों में उनके अंक आए, एक में तो नहीं आया किसी का, लेकिन दो में अधिकांश के हैं 250 में से, और वो 90s, 80s उस तरह के मार्क्स हैं। और ऐसे में जो व्यक्ति थोड़ा सा ठीक लिख पाते थे इन टॉपिक्स पे, विशेष रूप से अगर बैकग्राउंड में लिटरेचर फिलोसफी जैसा कुछ रहा हो, ऐसे विषयों पर सोचने का अभ्यास रहा हो, और रवि या सुनील ये सब लोग वो हैं जिनको ऐसे विषयों पर लिखने का ठीक ठाक अभ्यास था। मेंस के मेंटरशिप प्रोग्राम में इस बार जो हमारी टीम ने काम किया, मैं उसका जिक्र करूंगा अभी आपको, उसमें इन सब लोगों से हमने कम से कम 20-25 बार, जितना वो लोग चाह रहे थे, काम करने की हिम्मत दिखा रहे थे, अमूर्त निबंध लिखवाए थे। ये कहेंगे कि मूर्त तो आप लिख ही लेंगे, अभ्यास तो अमूर्त का होना चाहिए, और संयोग ऐसा हुआ कि अमूर्त निबंध दोनों के दोनों अलग। और मैं जब हिंदी मीडियम के बच्चों का रिजल्ट देख रहा हूँ तो मुझे निबंध में आमतौर पर नंबर ठीक दिख रहे हैं, 143 इनके हैं, रवि के हैं, एक और विद्यार्थी है मनोज, उसके भी 143 हैं, 137 एक व्यक्ति के शायद मयंक के हैं, 136 सुनील के हैं, मतलब इसके आसपास से 137, 136। और इतने नंबर अगर आपके निबंध में इस बार है तो इसका मतलब है कि आप कम से कम 20, 30, 40 नंबर की लीड बाकी लोगों से ले पा रहे हैं। ये एक कारण है जिसने इस बार के रिजल्ट को चेंज किया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये तीनों नंबर हाईएस्ट हैं मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम में, एसए में ये हाईएस्ट है, जीएस में ये हाईएस्ट है, ऑप्शनल में हिंदी साहित्य में जितने देखे अब तक ये हाईएस्ट है। हो सकता है एक दो लोग ऐसे बाद में मिले जो एक दो नंबर ज्यादा होंगे। ये तीनों अंक अगर मिला लेंगे तो बन गया 851, इनसे तो कम है। और इतने कम होने की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में भी जो सेकंड टॉपर है, सेकंड टॉपर के मार्क्स देखेंगे तो मेंस में 871 है रैंक टू के। रैंक वन आमतौर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, हो सकता है कि इस जो ये जो कैंडिडेट है नंबर वन पे, हो सकता है कि जीएस में बड़े ही खतरनाक नंबर आ गए। बड़े खतरनाक का मतलब क्या हो सकता है, जैसे 424 की तुलना में 475 आ गए तो 50 का गैप हो गया। और हो सकता है कि ऑप्शनल में कुछ क्रांति हो गई हो, 310 टाइप आ गए हो गया काम पूरा फिर तो। पर वो एक आध व्यक्ति होता है। अब इंटरव्यू में जो अंक मिले हैं रवि को वो है 179 है ना शायद, 179 सॉरी 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 ये तो सेकंड रैंक के हैं, उसके 171 है, 171। और ये दोनों जोड़ देंगे तो ये हो गया 1022 नंबर। अब बच्चे कहते हैं कि पहला रैंक कब आएगा, पहला रैंक कब आएगा जब 1022 बढ़ के हो जाएगा 1105। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए, जिस व्यक्ति का सेकंड रैंक है उसके कुल अंक हैं 1050।
इतना ही है बस। और जिस व्यक्ति का रैंक 16 है उसके भी 1022 हैं, 17 के भी 1022 हैं, 18 के भी 1022 नंबर हैं, तीनों के सेम मार्क्स हैं। जब सेम मार्क्स होते हैं तो एक फार्मूला है कि रैंक कैसे डिसाइड होगा, वो अभी समझेंगे बाद में। अब मैं एक इमेजिनेशन करना चाह रहा था। रवि की पर्सनैलिटी को मैं अच्छे से जानता हूँ और मेरा ख्याल है कि उसकी पर्सनैलिटी किसी भी हालत में 190-195 से कम के लायक नहीं था। इस बार इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स 206 मिले हैं, दो ही व्यक्तियों को मिले हैं, लेकिन 190 को मिला के देखे तो मैंने इंटरव्यू के मार्क्स का पूरा एक एनालिसिस किया और मेरा ख्याल है कि आपको जिन चीज़ों पर अभी से काम कर लेना चाहिए उनमें से एक चीज़ है इंटरव्यू। इंटरव्यू के नंबर मैंने पूरे 685 बच्चों के देखे हैं, पूरी लिस्ट ध्यान से पढ़ी। हाईएस्ट 206 हैं, न्यूनतम 110 हैं, 110 से कम किसी के नहीं है, 206 से ज़्यादा किसी के नहीं है। 13 व्यक्तियों के 200 प्लस मार्क्स हैं, लेकिन अगर मैं 190 से 199 के बीच की बात करूं तो 76 व्यक्ति ऐसे हैं, 76, और 180 से 189 के बीच में 87 लोग हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 163 और 176 13 मान लें, 180 प्लस वाले 176 लोग इंटरव्यू में हैं सिलेक्टेड लोगों में से। और दुख की बात क्या है कि उन सब में हिंदी माध्यम का केवल एक व्यक्ति है, उसका नाम है सुनील धनवंता, जिसके 193 मार्क्स आए। उसके पहले 198 आ चुके हैं दो साल पहले, इस साल 193 आए। संयोग भी होता है, कौन सा बोर्ड मिल गया, वहाँ 6-7 बोर्ड होते हैं, हर बोर्ड की एवरेज सेम नहीं होती मार्क की, किसी बोर्ड में नंबर थोड़े से कम किसी में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और कई बार 10-20 नंबर का अंतर तो इसी बात से पड़ जाता है कि आपको संयोग से कौन सा बोर्ड मिला। तो मैं एक बार इमेजिनेशन करना चाह रहा था, अगर इमेजिन करें कि इस बच्चे को इंटरव्यू में 195 मिल गए होते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात तो नहीं है, मैं कोई ऐसी असंभव टाइप की बात तो नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँगी 250 मिल गए होते तो बात अलग थी, मैं तो 195 कह रहा हूँ, तो 24 नंबर ज़्यादा होते तो 1046 नंबर हो जाते, तो इसका रैंक होता थर्ड। और संयोग से अगर मैं मान लूँ कि इस बच्चे को इंटरव्यू में 200 नंबर मिल गए होते तो इसके नंबर होते 1051, और सेकंड रैंक कितने हैं 1050, तो कौन सा रैंक होता सेकंड। फर्स्ट थोड़ा सा मुश्किल था, उसमें मेंस का अंतर ज़्यादा रहा होगा, लेकिन एक बात समझ में आती है कि सेकंड रैंक थर्ड रैंक आ जाना असंभव नहीं है, असंभव तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में, लेकिन सेकंड थर्ड रैंक तक रवि जैसे विद्यार्थियों का पहुंच जाना ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। थोड़ा संयोग भी होता है, इंटरव्यू के दिन कैसी परफॉर्मेंस रही, कैसे सवाल आ गए, कौन सा बोर्ड मिल गया, हज़ार बातें होती हैं, उस बोर्ड के मेंबर्स के मन में क्या धारणाएं बैठी हुई हैं ये भी सवाल होता है। पर मैंने पाया कि इस बार का रिजल्ट अच्छा होने की मूल वजह है, अगर दो हैं जिनमें से एक है निबंध, और रिजल्ट और अच्छा हो सकता था इसका आधार क्या हो सकता था, इंटरव्यू, क्योंकि जीएस में थोड़ा सा गैप है हिंदी इंग्लिश में, और मेरा ख्याल है कि उस गैप को भरना उतना आसान नहीं है यूपीएससी के लेवल पर, यहाँ तैयारी के लेवल पर हम भर लेंगे। तो जिन चीज़ों में कम मेहनत करके हम गैप ज़्यादा भर सकें क्यों ना उन पर फोकस करें, बहुत ही तरीका हो सकता है। और इस बार के रिजल्ट में जो लोग सबसे यूनिक 4-5 लोग हैं, अगर मैं आपको उनका नाम बताऊं, थोड़े थोड़े उनके बारे में जिक्र करूं, एक व्यक्ति 18वें रैंक पे, रवि कुमार सिहाग, आप जानते ही हैं। रवि की एक बात जो मैं अब तक बता नहीं रहा था किसी को, आज बताना चाह रहा हूं क्योंकि वो ज़रूरी है समझना हम सबके लिए। जब रवि का रैंक 337 आया, फिर 317 आया, वो शुरू से ही जुड़ा हुआ है हमारे साथ, 317 के बाद अगले साल वो थोड़ा सा परेशान था कोविड के समय में,
तो कोविड के समय में एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया कि सर एक बार आपसे मिलना है। तो मैं कोविड में आमतौर पर ऑफिस बंद था, घर से ही काम कर रहा था, तो फिर मैं उससे मिलने गया ऑफिस। और उस दिन उससे मुझसे कहा कि सर मैं ना ये फील कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम से अच्छा रैंक आ नहीं पाएगा, तो क्या मैं इंग्लिश मीडियम ले लूँ? उसकी इंग्लिश भी ठीक है, अच्छी इंग्लिश है उसकी। तो मैंने कहा कि यार ये तो फैसला आपका है, अगर आपको ठीक लगे तो ले लीजिए। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि अगर आपकी इंग्लिश लगभग हिंदी जैसी है, 19-20 का अंतर है, आपकी इंग्लिश 19 है, हिंदी 20 है मान लीजिए, ये 18-20 टाइप का अंतर है, तो इंग्लिश मीडियम लेके जीएस में 10-20 नंबर बढ़ाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एसए में उतने ही नंबर कम हो जाए ये खतरा है, क्योंकि एसए में तो लैंग्वेज बहुत मैटर करती है ना, आप कितना अच्छा लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन दे पाते हैं बहुत मैटर करता है। बहरहाल उसका मन था कि मैं इंग्लिश मीडियम पे ध्यान दूँ, फिर वो ट्रेनिंग में चला गया, मेरी बात उसके बाद से ज़्यादा हुई नहीं, हुई भी तो इस बारे में नहीं। अब जब पिछले साल मेंस की मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा था, तो मेरी टीम ने बताया कि रवि जी भी आते हैं और लिखते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि उससे तो इंग्लिश मीडियम रख लिया है, तो बोले नहीं सर हिंदी में लिख रहे हैं। तो मैंने फिर रवि से बात की, बुलाया, मैंने कहा तुम तो कह रहे थे कि मीडियम चेंज करो, बोला सर मैंने सोचा था, मेहनत भी की, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं निबंध में मतलब जीएस में तो नंबर बढ़ा लूँगा पर एसए में नंबर कम हो जाएंगे, और फिर तय किया जो होगा देखा जाएगा, हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम लूँगा। और ये अच्छा हुआ, वरना ये गलत फहमी हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है कि शायद इस मीडियम में सफल नहीं हो सकता है। उसकी ये सफलता उसकी तो है ही, वो तो आईएएस बन गया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत लोगों के लिए जिनको अंग्रेज़ी में उतने महारत हासिल नहीं है, उतनी सहजता हासिल नहीं है, कम से कम उनके लिए एक आत्मविश्वास की वजह तो बनेगी। दूसरा जो व्यक्ति है आप जानते हैं उसके बारे में, उसका नाम है सुनील कुमार धनवंता। सुनील की भी कहानी बहुत रोचक है, वो आईआईटी से पढ़ा हुआ है, आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया उसने वहाँ से, फिर उसको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना था, उसने जेएनयू में मास्टर्स ज्वाइन कर लिया ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी विषय रखा, मेंस दिया, वो इतना अच्छा लिखता है, कमाल का विद्यार्थी है वो। पहली बार में इंटरव्यू में भी उसके 198 मार्क्स आ गए, उसके बाद भी रैंक 600 कुछ आया, तो फिर उसके बाद वो मुझसे मिला कि सर ये मतलब दिक्कत आ रही है, और भूगोल से शायद 2 या 3 मेंस दे चुका था ऐसा कुछ था, तो नंबर उसमें आ नहीं रहे थे। ऑप्शन भी तो एक बड़ी बात होती है ना यूपीएससी में कि आपने कौन सा ऑप्शन लिया, और तब उसने पिछले साल मुझसे कहा, इस साल नहीं 21 में नहीं 20 के एग्ज़ाम के समय कहा कि सर मैं विषय बदलना चाहता हूँ और हिंदी साहित्य लेके एक ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है करो, उसने हिंदी की क्लासेस की, नोट्स बनाए, आंसर लिख के दिखाए मुझे भी, और मैं दंग रह गया कि 3-4 महीने के अंदर कोई व्यक्ति पूरे पाठ्यक्रम को इतना अच्छे से कैसे तैयार कर सकता है। फिर पिछला मेंस दिया उसने 2020 का, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रैंक वही का वही जो पहले था, वो आईपीएस में पहले भी था, फिर से आईपीएस ही बना। तो हम बड़े चकित थे कि ऐसा क्यों हुआ, और जब मार्कशीट आई तब क्या देखा, उसके वैकल्पिक विषय में करीब 40 नंबर बढ़े, लेकिन इंटरव्यू में 198 से 157 हो गए। इसका मतलब जो फायदा वैकल्पिक विषय में उठा इंटरव्यू में वापस हो गया, और रैंक वही का वही। इस बार उसने फिर एग्जाम दिया, इस बार उसकी तैयारी अच्छी थी हिंदी साहित्य में, इस बार क्योंकि एक बार अभ्यास भी कर चुका था, इस बार तो वो ऐसे था कि सब कुछ टिप्स पे है और आंसर लिख लिख के अभ्यास कर रहा था, दिखा भी रहा था, शानदार स्मार्ट तैयारी जिसको बोलते हैं। कुछ दिन पहले हमने उसका एक सेमिनार करवाया था, हिंदी साहित्य की स्मार्ट तैयारी नाम से कुछ था, जिसमें मैंने कहा था कि वो सब बच्चों को बताए कि कैसे तैयारी की उसने इतने कम टाइम में ताकि लोग उससे सीख सकें। इस बार एग्ज़ाम दिया, अब एग्ज़ाम देने के बाद उसने बताया कि सर एक बड़ी भारी गलती हो गई है। क्या हुआ? तो सर 2 व्याख्याएं गलत हो गई हैं। हिंदी साहित्य में एक चीज़ होती है व्याख्या, पेपर 2 में 10 व्याख्याएं करनी होती हैं और सारी 10-10 नंबर की होती हैं, 2 व्याख्याएं गलत हो गई,
रवि की एक भी गलत नहीं हुई, 10 की 10 ठीक हुई। इनसे पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि उस दिन मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसी गलती हो कैसे गई, लेकिन हो गई। और बड़े मायूस के सरब बताइए, 2 व्याख्या 20 नंबर का मतलब, अगर वैसे 12 नंबर मिलते तो 0 हो गए, 12 नंबर का नुकसान हो गया। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी एग्जामिनर अगर अच्छा फील कर रहा हो आपकी कॉपी को देख के, तो अगर व्याख्या में गलत नहीं लिखा है, गलत का मतलब पता क्या होता है, जैसे कविता आई है मान लीजिए भारत भारती, और आपने लिख दिया कि ये सरोस्मृति या राम की शक्ति पूजा कविता से लिया गया है, पूरी बात ही गलत हो गई, संदर्भ भी गलत हो गया। तो कभी कभी एग्जामिनर देखते हैं कि नहीं ये बच्चा वैसे बड़ा अच्छा लिख रहा है, तो थोड़ा बहुत नंबर दे देते हैं, 10 में से 2-3 दे दिए। कभी कभी ऐसा क्रॉस लगाते हैं बड़ा सा, एकदम खत्म कर देते हैं। तो उसको लग रहा था कि मेरी जो संभावना थी 10-12 नंबर मेरे हाथ से निकल गए, और 10 नंबर का मतलब 100 रैंक होता है सीधा सीधा। तो फिर ये था, मैंने कहा देखो ये तो सब कहने की बातें, कई बार क्या होता है बाकी सब चीज़ों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी हो सकता है, मायूस मत हो, उम्मीद करो कि सब ठीक होगा। अब संयोग देखिए सब ठीक हो गया, क्योंकि इस बार इंटरव्यू में 193 आ गए, 198, 157, 193, ये इंटरव्यू का स्कोर है उसका। अब डायनामिक समझ पा रहे हैं कैसे होता है सिलेक्शन, इसीलिए यूपीएससी को जुआ कहते हैं बहुत लोग, कि जुए जैसा मामला है, और इतने सारे मोर्चे हैं, सब मोर्चों में बैलेंस बना के चलना, यही इस एग्जाम की सारी की सारी जिसको आर्ट कहते हैं, वो आर्ट है। इस बार एक विद्यार्थी 147 रैंक पर है, मयंक दुबे। जब मैं इंटरव्यू में उससे मिला तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम इतने शानदार कैंडिडेट हो, मुझे पहली बार मिले, ऐसा कहाँ थे अब तक। तब उसने वही कहानी बताई जो सुनील ने बताई थी कि सर मैं 2-3 बार से मेंस दे रहा हूँ, लेकिन अपने ऑप्शनल की वजह से, भूगोल की वजह से सिलेक्ट हो ही नहीं पाता हूँ, नंबर कम आते हैं। इस बार विषय बदला है, हिंदी साहित्य लिया है, उम्मीद है कि नंबर अच्छे होंगे, और मार्कशीट देखी तो उससे नंबर ठीक आ भी गए। मेरा अनुमान था कि इस व्यक्ति को भी पहले 50 के अंदर होना चाहिए था, लेकिन होता कभी कभी एक आध जगह नंबर थोड़े से चूक जाते, जैसे इंटरव्यू में 168 इनके मार्क्स आए, अगर होते 175 तो पहले 100 में होते, इतना ही तो खेल है। जो 2 सबसे यूनिक केसेस हैं इनके अलावा, विशेष रूप से लड़कियों को उससे कॉन्फिडेंस आना चाहिए थोड़ा सा, एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र मेरे ख्याल से अभी 23 ही साल होगी, उसका नाम है दिव्या, वो दृष्टि में स्टूडेंट थी हमारी, और मतलब जीएस में भी थी, हिंदी साहित्य में भी थी, मेंटरशिप में भी थी। पहला अटेम्प्ट, एकदम पहला अटेम्प्ट, फिल्म्स हुआ, फिल्म्स के बाद उसने मेंस के मेंटरशिप प्रोग्राम में खूब लिखने का अभ्यास किया, करते करते मेंस भी हो गया। जब मेंस हो गया तो फिर इंटरव्यू में हमारे से बातचीत हुई कई बार, और मॉक इंटरव्यू भी देखा, ठीक परफॉर्मेंस। और जो 22-23 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको उनमें जो खरापन होता है, जो नयापन होता है, जो सहजता होती है, इंटरव्यू में उसकी बहुत वैल्यू होती है। और हमें ठीक ठाक अनुमान था कि इस बार उसको कुछ मिलना चाहिए, इस बार वो भी सिलेक्ट हो गई, रैंक उसका शायद 500 के आसपास है, 400 के आसपास है, जिसका मोटा मोटा मतलब है कि वो IPS या IRS, शायद IPS में उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। कैसे होता मैं समझाऊंगा अभी आपको, सिलेक्शन किस में किसका होता है। पहला अटेम्प्ट, 23 साल की उम्र। और एक केस और है, उस लड़की का रैंक 500 कुछ है, उसका नाम है सोनू परमार। ये 4-5 केसेस ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान में आ रहे हैं कई दिनों से, और कल जब रिजल्ट आया तो मुझे लगा मैं आपको बताऊं। आप इन सब के इंटरव्यूज देखेंगे यूट्यूब पे, जल्दी ही आते रहेंगे। इनका ये केस है कि करीब 10 साल पहले इनकी शादी हो गई, मध्य प्रदेश से हैं, फिर 6-7 साल पहले बच्चा भी हुआ, उसके बाद इन्होंने खूब मेहनत की, मध्य प्रदेश PCS का एग्ज़ाम दिया, वहाँ वो DSP बन गए, और परिवार के साथ पुलिस की जिम्मेदारियाँ संभाल रही हैं, अच्छे संभाल रही हैं। इस बार मेंस के मेंटरशिप प्रोग्राम में थी, तब बातचीत 1-2 बार हुई मेरे साथ भी, और बाद में जब इंटरव्यू का समय आया तो उन्होंने मुझसे बात करने के लिए कहा, तो लंबी बात हुई। उनके मन में एक दुविधा थी,
सर मैं पुलिस में हूँ और आईपीएस बनना चाहती हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ पुलिस में, लेकिन सब लोग कहते हैं कि आईएएस बनो। तो मैंने कहा कि नॉर्मली मैं भी ये कहता हूँ, लेकिन फिर जब उनसे बात हुई आधा पूरा घंटा तो मुझे लगा कि नहीं, उनके लिए आईपीएस ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप आईपीएस के लिए ही लिखिए, नंबर वन पे आईपीएस लिखिए और उसी के लिए तैयारी करते हैं। इन सारी की सारी स्थितियों के बावजूद इंटरव्यू पहली बार दिया और पहली बार सेलेक्ट हो गई हैं और मेरा ख्याल है कि आईपीएस इनकी जेब में आ चुका है। ये जो लोग हैं जो आपसे मिलेंगे बीच में आके, उनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि कैसे कुछ लोग इतनी कठिन स्थितियों के बावजूद सेलेक्ट होते हैं। रवि और सुनील से जो सीखने की ज़रूरत है वो ये कि निरंतरता, एक बार नहीं हुआ, रैंक अच्छा नहीं आया, फिर कोशिश करेंगे और अच्छी कोशिश करेंगे और अंततः वो रैंक ले आएंगे जो रैंक मिलना चाहिए। अब अगर ये मोटा मोटा खाकर समझ में आ गया हो तो हम एक बात ये समझते हैं कि कितने नंबर आने पर क्या आप बनते हैं, कौन सा रैंक आने पर आप क्या बनते हैं। आपको इस बात का आइडिया है कि अगर आपको आईएएस बनने तो कौन सा रैंक लाना होगा, या अभी तक सब हवा में चल रहा है? हवा में चल रहा है, आइडिया है? चलिए मैं आपको 2020 का जो भारत सरकार ने एलोकेशन किया है वो क्या एलोकेशन किया, इसको आप नोट कर लीजिए। 2020 एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आया उसका एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब किस रैंक पर कौन सी सर्विस मिली है। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आप जानते हैं कि एक सर्विस का नाम आईएएस होता है? क्या मतलब होता है इसका? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसको तो कहते हैं कि सारी सर्विसेज के जो पापा हैं वो ये सर्विस है। एक है आईपीएस, इंडियन पोस्टल सर्विस, पुलिस सर्विस, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस। ये दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विस का मोटा मोटा मतलब है जिनमें काडर मिलता है, आप सिलेक्ट होंगे, एक स्टेट आपको मिलेगा काडर के रूप में, जहां आप काम करेंगे। आमतौर पर आप डेपुटेशन पे बाहर जा सकते हैं, दिल्ली भी आ सकते हैं, देश के बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आप उस स्टेट में काम करते हैं। इसके अलावा एक आप सर्विस का नाम और सुना होगा, आईआरएस, इंडियन रेलवे सर्विस, रेवेन्यू सर्विस। रेवेन्यू सर्विस के भी दो पार्ट्स हैं, एक होती है आईआरएस आईटी। आईटी क्या होता है? इनकम टैक्स। एक होता है आईआरएस जीएसटी, जिसको पहले कस्टम एक्साइज बोलते थे, आजकल उसको जीएसटी कह देते हैं। तो दोनों को आईआरएस बोलने का रिवाज है, आमतौर पर ये सर्विसेज ज़्यादा है। 100 में से 99 व्यक्तियों की पहली चॉइस होती है आईएएस, 98 मान लीजिए, बाकी दो में से एक की आईएफएस जो इस पर लिखा नहीं है, और एक अब की आईपीएस होती है। आईएफएस जानते हैं, फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा, जिसमें आपको विदेशों में रहना है, राजदूत बन के जाना है या राजदूतावास में अधिकारी बन के जाना है, उन देशों के साथ भारत के संबंध ठीक रहें, अच्छे रहें, उस पर काम करना होता है। बड़ी महत्वपूर्ण सर्विस है वो भी। लेकिन आईएफएस मैंने इससे नहीं लिखा कि हिंदी माध्यम में जनरली आईएफएस की प्रेफरेंस बहुत कम बच्चे रखते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो आईएफएस बनना चाहते हैं? देखिए, एक भी नहीं मिला, एक दो मिल गए, चलिए देश का भला हो बाहर भी कम से कम। आप में से कितने लोग आईपीएस बनना चाहते हैं? देखिए, दबंग बनना चाहते हैं, दबंग। और फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस कितने लोगों की है? आईएएस, ये तो राष्ट्रीय सेवा है, नेशनल सर्विस है। आईएएस में होता क्या है वैसे, पता है या आपको वैसे ही अच्छा लगता है? मतलब आईएएस में क्या करना होता है, आप बताइए क्या करना होता है आईएएस में? नहीं पता। कलेक्टर बनते हैं, कलेक्टर, डीएम, वही दिमाग में रहता है ना, डीएम। अच्छा, कितने लोग डीएम सोच के आईएएस बनना चाह रहे हैं? दिमाग में डीएम रहता है जिनके, और बाकी लोग या तो जानते हैं या ये भी नहीं जानते हैं, उनको बस पता है कि आईएएस कुछ होता है, बहुत बड़ी तोप होता है। आईएएस की सर्विस अलग ही लेवल पे है। आईपीएस सब जानते हैं, पुलिस बनना होता है, आप आईपीएस बनेंगे, खटाक से आपको बना देंगे, कुछ दिनों के डीएसपी, फिर एएसपी बना देंगे। 4-5 साल होते होते, 6 साल होते होते, 6 साल में ट्रेनिंग मिला के बोल रहा हूँ, 2 साल ट्रेनिंग के मिला के बोल रहा हूँ, 6 साल होते होते अब जिले के एसपी हो जाएंगे। एसपी समझते हैं,
सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस कप्तान बोलते हैं कहीं कहीं, तो पूरा जिला आपके पास आ गया पुलिस के रूप में, जिसका मोटा मोटा मतलब है कि 2000-3000 पुलिस वाले आपके अंडर काम करते हैं, 15 से लेकर 50 के बीच में थाने आपके अंडर काम करते हैं। थानेदार आपको देख के सैल्यूट ऐसे मारता है कि जमीन से पानी निकल जाए, इतना ज़ोर से सलाम ठोकता है पैर पटक के। वो सब मन में होता है क्योंकि बचपन में कभी ना कभी पुलिस डंडा मारा ही हो गया था, तो वो खुंदक दिमाग में रहती है कि बड़ा होकर इसको मारूंगा फिर मैं। तो पुलिस में जाने का एक पर्पज़ ये भी होता है, या किसी से हिसाब बराबर करना हो तो मन करता है कि पुलिस में जाएंगे और फिर इनकाउंटर करेंगे उसका, ऐसा मन में आता है। करना मत, बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो हम मोटे तौर पर 3 सर्विस दिमाग में रखे चलते हैं, IAS, IPS, IRS, और ये देखते हैं कि किस सर्विस पे आने के लिए कौन से रैंक पे आपको आना चाहिए। और मैं 2020 यानी पिछले साल जब ये रिजल्ट तो कल ही आया है, 2-3 महीने के बाद डिटेल्स फाइनल होंगी किसको क्या मिला, लेकिन 2020 के रिजल्ट में किसको क्या मिला वो लिस्ट मेरे पास इस समय है फाइनल। तो उसके बेस पे हम अनुमान करते हैं कि दरअसल क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। तो एक चीज होती है कैटेगरी इस एग्जाम में, ये क्या लिखा है, जनरल, और ये तो आप जानते ही हैं OBC, ये एक नई कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। एक कैटेगरी होती है SC और एक कैटेगरी होती है ST। 5 और होती हैं जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, जिनको हम सामान्य रूप से दिव्यांग वर्ग कह देते हैं। दिव्यांग के अंदर भी 5 सब कैटेगरीज हैं, वो अलग है, उसको मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा अभी, उस पर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं अलग से बता दूंगा क्या स्कोर रहता है उनका। तो अपनी जो कैटेगरी आपकी है, आप में से कुछ बच्चे जनरल में होंगे, हिंदी माध्यम में जो बच्चे आते हैं उनमें से मैंने पाया है कि करीब 60-70% बच्चे आमतौर पे OBC SC ST वर्गों से होते हैं, क्योंकि जो संपन्न हैं वो अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ते हैं बचपन से, जो ऐसे क्षेत्रों में हैं, कस्बों में हैं, गांवों में हैं, जहाँ सुविधाएं कम हैं, वहाँ हिंदी माध्यम बाकी माध्यम चलते हैं, और ऐसे स्थानों पर रहने वालों का सामाजिक जो प्रोफाइल है आमतौर पर परसेंटेज में 70 के आसपास ऐसा होता है। ये मैं इस सेंस में नहीं कह रहा कि अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये मैं बता रहा हूँ कि तथ्य क्या है। फिर जो हमारी वर्तमान केंद्रीय सरकार है उसने संविधान में संशोधन करके एक नया आरक्षण निकाला है EWS, और EWS की शर्तों में लिखा है कि जो व्यक्ति SC ST या OBC में है और EWS में भी आता है उसे चुनना पड़ेगा, या तो EWS या SC ST या OBC, आप एक ही आरक्षण ले सकते हैं, डबल नहीं मिलेगा। ठीक बात भी है, डबल क्यों मिलना चाहिए। और EWS की शर्तें ऐसी हैं कि लगभग पूरा देश EWS है हमारा, जैसी कंडीशंस है। कंडीशन है लगभग 8 लाख रुपए प्रति वर्ष आए, प्लस प्रॉपर्टी इतनी इतनी अगर आपकी है या नहीं है, ऐसी कुछ कंडीशंस लगाई गई। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के मुश्किल से मेरे ख्याल से 5% लोग छोड़ दें अगर हम, जो सरकारी नौकरी में हैं, या जिनके पास टैक्सेबल इनकम है, या जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टी है, उन्हें छोड़ के बाकी हर व्यक्ति इस समय EWS में शामिल हो जाता है। इसके पीछे जो भी मंशा रही हो, इसको लेकर समाजशास्त्रीय अध्ययन आजकल हो रहे हैं कि ये कितना अच्छा है समाज के लिए, देश के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि इस समय हमारे देश में ये 4 आरक्षण UPSC में चल रहे हैं। स्पष्ट एकदम चलिए, आप सबको ये तो पता है ना कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, पता है, ये मुझसे तो नहीं पूछेंगे, खुद पता है ना। ठीक, जिसको इन 4 का नहीं पता है वो इसमें आता है, मतलब अगर आप परेशान हैं कि मैं तो किसी में नहीं आता, तो ऐसा नहीं, अगर आप इन 4 में नहीं आते हैं, जनरल में तो आते ही आते हैं। और यदि आप मान लीजिए इनमें से किसी में, और आप कहें कि यद्यपि मैं जन्म के हिसाब से OBC का फ़ायदा उठा सकता हूँ या SC का फ़ायदा उठा सकता हूँ, लेकिन मैं फ़ायदा उठाऊँगा नहीं, तो अब क्या होगा, जनरल हो गए। जनरल का मतलब सिर्फ इतना है कि जो इन 4 में नहीं आता है,
यानी कि अनरिजर्व्ड। तो जनरल को शब्द है नहीं, दरअसल शब्द है अनरिजर्व्ड, और आप इनमें से भी उछल के वहाँ जा सकते हैं यदि आपको आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठाना है, या आपने भरा था फॉर्म लेकिन बिना उसका फ़ायदा लिए ही आप IAS बन गए। जैसे पहला अटैम्प्ट दिया, मान लीजिए प्रीलिम्स की कट ऑफ जैसे पिछली बार 87.5 के आसपास है, तो प्रीलिम्स की कट ऑफ मान लेते हैं कि 90 थी, आपका स्कोर 100 है, तो आपको आरक्षण का फ़ायदा मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, ऐसे ही हो गया। मेंस की कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी है उसमें मान लीजिए कि 700 नंबर थी या 750 थी, और आपके नंबर हैं 810, आपकी कैटेगरी में 50 नंबर कम थी कट ऑफ, पर क्योंकि आप जनरल की कट ऑफ से ऊपर थे तो फ़ायदा नहीं उठाया आपने, इंटरव्यू दिया। फाइनल जो कट ऑफ बनी जनरल की, मान लीजिए बनी 1000 नंबर, और आपके कुल नंबर कितने हैं? 1040 हैं, यहाँ भी फ़ायदा नहीं उठाया। तो यदि आपने कहीं भी फ़ायदा नहीं उठाया, यहाँ तक कि सर्विस एलोकेशन में भी नहीं उठाया, कार्डर में भी नहीं उठाया, तो सरकार बोलती है कि भाई आपको हम, बेशक आपने फॉर्म भरा था SC से या OBC से, पर क्योंकि आपने फ़ायदा उठाया ही नहीं, ध्यान रखना है, इंटरव्यू तक नहीं, सर्विस के एलोकेशन में भी देखा जाएगा, कार्डर में भी देखा जाएगा, यदि पांचों लेवल्स पे फ़ायदा नहीं उठाया, ना प्रीलिम्स में, ना मेंस में, ना इंटरव्यू में, ना सर्विस के निर्धारण में, और ना ही कार्डर के निर्धारण में, तो सरकार बोलेगी कि भाई आपको हम ट्रीट करेंगे अनरिजर्व में, जनरल में। एक बात और है, अगर पिछले किसी अटेम्प्ट में फ़ायदा उठाया होगा तो जनरल नहीं माना जाएगा। आपने UPSC के किसी भी अटेम्प्ट में कोई फ़ायदा ना उठाया हुआ आरक्षण का, और सिलेक्ट हो गए हैं, उस सर्विस में चले गए हैं जो आपको चाहिए थी, तो क्या माना जाएगा कि आप जनरल हैं? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो, जिनको सर्विस का फ़ायदा भी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए रैंक 1 किसी का है, अब उसे सर्विस मिल गई जो मिलनी चाहिए थी, वैसे भी क्या फ़ायदा चाहिए उसको? ना प्रीलिम्स मिली है, ना मेंस मिली है, ना इंटरव्यू मिली है, तो उसको जनरल ट्रीट करेंगे, बेशक उसका आरक्षण कहीं से आता हो। ये बस स्पष्ट हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो एक सर्विस है IAS, एक है IPS, एक है IRS, इन तीन का हम कट ऑफ समझते हैं कि कितने रैंक तक क्या मिला। ये मैं EWS का मतलब है जो लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं, वंचित हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ये भारत सरकार ने एक नया एक सिस्टम शुरू किया है कुछ साल पहले, संविधान में संशोधन किया है इसके लिए, और इसके तहत कुछ क्राइटेरिया है कि जिन परिवारों की, इसमें व्यक्ति की बात नहीं होती, पूरे परिवार की बात होती है, ठीक है, जिन परिवारों की कुल आय इतने से कम है और उनके पास ऐसी ऐसी संपत्ति भी नहीं है, वो व्यक्ति EWS माने जाएंगे और आरक्षण के लाभार्थी होंगे। ठीक है, इस पर होगा तो कभी और विस्तार में बात कर लेंगे, अगर आपको डाउट है कि आप उसमें आते हैं कि नहीं आते, बात कर लेंगे। 2020 के हिसाब से जनरल में IAS मिला है 78 रैंक तक, नोट कर लीजिए। यदि आप जनरल से हैं और प्रॉपर IAS में आना है तो कौन सा रैंक लाना होगा? 1 से लेकर 78 तक कोई रैंक लाना होगा। ये अकेली मुश्किल फिगर है, उसके बाद कोई फिगर मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आपको जनरल से IPS बनना है तो पिछले साल जो लास्ट रैंक है वो है 237। कितना आसान लग रहा होगा ना कि IPS बनने के लिए बस 237 में आना है, सो सिंपल। तो जनरल से अगर आप हैं तो 237 तक IPS पिछली बार मिला है। ये हर साल थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, 10-15 रैंक ऊपर नीचे। और यदि आपको IRS में जाना है तो पिछली बार जो रैंक था 254 था, 254। तो भाई अगर आप जनरल में हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, यात्रा थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन होती है तो होती है, करना तो है ही उसको। अब जब मैं आपको बताऊंगा बाकी कैटेगरीज में तो आप उछल पड़ेंगे, अरे इतना गैप होता है, पर ध्यान रखना गैप नंबर्स में ज़्यादा नहीं होता, गैप रैंक में ज़्यादा होता है। जैसे OBC में अगर आप देखें तो पिछले साल जिन व्यक्तियों का रैंक 346 तक था वो सब IAS में आ गए थे। तो अगर आप OBC में आते हैं संयोग से तो आपको 346 तक आ जाना है। अब थोड़ा आसान लग रहा होगा, अब 317 है, 246 उतना बुरा नहीं लग रहा होगा,
क्योंकि यदि आप उस कैटेगरी में हैं और वहाँ तक आ गए तो बनेंगे तो आईएएस ही बनेंगे ना भाई, कलेक्टर ही तो बनोगे, उसमें कुछ और थोड़ा बनोगे। उसके बाद रैंक से तो यही होगा ना कि आप किस वर्ग से आते हैं। आईपीएस बनना है और ओबीसी में है तो 468 तक की यात्रा पिछली बार हुई है, तो 468 तो कोई बहुत मुश्किल रैंक है भी नहीं, है ना, बाएं हाथ से लिख के भी आ जाता है, और कोई लिखता ही बाएं हाथ से हो तो फिर वो दाएं हाथ से आता नहीं इतना आराम से, मैं केवल कह रहा हूँ। और 497 तक ओबीसी वर्ग के बच्चों को आईआरएस सर्विस मिल गई है, यानी 497 पे आप हैं तो आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो जाते हैं, ACIT, कितना लंबा नाम है सोचिए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 4 साल बाद डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स DCIT, फिर 9 साल बाद जॉइंट कमिश्नर, 14 साल बाद एडिशनल कमिश्नर, 18 साल में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर 22 में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर 25 में चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद फिर CBDT के मेंबर बन जाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मेंबर बनना एक बड़ी बात होती है। और उसके बाद भी समय रहा और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा, चेयरमैन CBDT जो पूरे देश में एक ही होता है, उसके बाद रिटायरमेंट और उसके बाद परलोक गमन। अंत तो सबका एक ही है ना, IAS बनो PM बनो, अंत में तो जाना परलोक ही है, उससे तो कुछ होगा नहीं, तो ये तो अभी की यात्रा है। EWS में जो रैंक है, देखिए अगर आप जनरल में आते हैं तो 99% चांस है कि आप EWS में आते हैं, अगर आपके पापा मम्मी सरकारी नौकरी करते हैं तो अलग बात है, अगर आपके पेरेंट्स का कोई ऐसा बिजनेस है, कोई काम है जिसमें वो अच्छे खासे टैक्स पेयर्स हैं तो अलग बात है, वरना भारत में जो आम आदमी है वो हर आम आदमी EWS में आता है। EWS में पिछली बार 354 पे IAS मिला है, C54 पे, और IPS मिला है 513 पे, और IRS मिला है 557 पे। अब तो आप कितना मुस्कुरा रहे हैं कि अरे बस इतनी बात थी, कब से परेशान थे 18वें रैंक 22वें रैंक के लिए, इतनी सी बात थी, अरे तो 354 में तो हो ही जाता, बस सो सिंपल। पिछले कई साल से SC और ST वर्ग में देखें तो SC वर्ग की कट ऑफ ऊपर जाती थी, यानी कि ज़्यादा नंबर चाहिए होते थे, ST में थोड़े से कम, पिछले साल ये चेंज हो गया है, पिछले साल ST वर्ग के बच्चों ने SC वर्ग के बच्चों से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं पहली बार, इससे रैंक्स थोड़े चेंज हो गए हैं। SC वर्ग में पिछली बार 510 पर IAS मिला है, 510 पर, और 681 पर मिला है IPS, और 685 पर मिला है IRS। अच्छा फील हो रहा है आप लोगों को अब? और जहाँ तक ST की बात है, आमतौर पर ST में रैंक इससे भी ऊंचे होते थे, पिछली बार थोड़ा चेंज हो गया है, 505 तक मिला है IAS, फिर 637 और 656, ये रैंक्स हैं। समझ में आ गया ठीक से? तो अपने मन में एक रैंक बिठा लीजिए कि यहाँ तक आ जाना है। जैसे किसी को IPS बनना है और मान लीजिए OBC में आते हैं आप, तो OBC IPS हमारे 468 है, इसमें थोड़ा कम कर लीजिए, 450 कर लीजिए राउंड फिगर में। नहीं, OBC वाला EWS में नहीं आ सकता, आ सकता है पर OBC नहीं रहेगा। कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा फायदा है, ये बन जाएंगे, ये भी ध्यान रखना, अभी EWS का सबको पता नहीं है ये फायदा, अब अगर YouTube पे जाएगा तो पता लग जाएगा सबको। अब क्या होगा जब सब भर देंगे EWS, तो OBC हो जाएगा 513, ये हो जाएगा, ये ऐसे होता रहता ऊपर नीचे। अच्छा मैं बहुत इस बात से अचंभित हूँ कि EWS में ज़्यादा रैंक तक कैसे IAS IPS मिल रहा है, क्योंकि OBC में 27% है, EWS 10% है, और EWS में जनरल कैटेगरी वाले बहुत सारे बच्चे आ गए हैं,
तो मेरे सारे तर्कों से EWS में ज़्यादा नंबर चाहिए सेलेक्ट होने के लिए, पर ये आ ऐसा रहा है। मेरा ख्याल है कि 1-2 साल के बाद ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा और तब EWS में मुश्किल होगा OBC की तुलना में, अनुमान है मेरा, गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आप इस चक्कर में कि मैं OBC से EWS में शिफ्ट कर लूँगा, तो हो सकता है जब तक आप वहाँ पहुँचें तब तक मामला उल्टा हो गया, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन सवाल अच्छा है इनका, इनके मन में, इससे मुझे लग रहा है कि आप IAS ज़रूर बनेंगे, क्योंकि यही दिमाग चाहिए कूटनीति वाला कि क्या करने से क्या हो सकता है। तो अपने दिमाग में एक मोटा मोटा रैंक बना लीजिए कि आप कौन से रैंक पर आके अपनी उस सर्विस में आ जाएंगे जो आपकी ड्रीम जॉब है। और मैं आपसे बार बार एक बार हर वर्कशॉप में कहता हूँ, हिंदी माध्यम से पहला रैंक बहुत मुश्किल है, दूसरा रैंक आते आते बचा है, आपने देखा ही है, आ सकता है। मतलब पहले रैंक के बाद के रैंक संभव है, थोड़े से मुश्किल है। लेकिन केवल जनरल कैटेगरी में अगर IAS बनने वाली जिद किसी की है तो उसको छोड़ के बाकी किसी को सिंबॉलिक फायदे के अलावा उस रैंक से मतलब भी क्या है? सिंबॉलिक फायदा है, हिमालय पर सबसे पहले कौन चढ़ा नाम बताओ, मतलब इस सॉरी एवरेस्ट की बात पे कर रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा सबसे पहले? आपको नाम रटा हुआ बचपन से ही, इतना रटवाया है दो लोगों का नाम, एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग, याद है बचपन से याद है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कौन चढ़ा किसी को नहीं पता, सेकंड रैंक तो पता है लेकिन सेवंथ रैंक नहीं पता। ये तो है कि आपका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, रैंक वन आएगा, तो उसके अलावा क्या फ़ायदा है? रैंक वन को IAS मिलेगा, IAS की 180 सीटें हैं इस समय और IPS की 200 हो गई हैं सीटें, अब तो 380 तो IAS IPS बनते हैं। आपसे 10 साल पहले टोटल सीट 300 होती थी, जिनमें IAS 56 होते थे, IPS 36 होते थे, सब मिला के 90 रैंक में IAS IPS IFS सब खत्म। और अभी क्या हाल है, 180 IAS 200 IPS हर साल बन रहे हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे समय में पैदा हुए हैं कि ऐसी टाइमिंग पे आए हैं कि कम से कम सर्विसेज तो हाथ में है। इस बार 1000 सीटें आ गई हैं, 1015 सीटें, जो कि कितने साल के बाद हुआ है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना कि कभी कभी हम सिंबॉलिक फ़ायदे के लिए जान दिए रहते हैं जबकि उसका बहुत मतलब नहीं होता है। कई लोग कह रहे कि मैंने पहली बार प्रपोज किया, किसी ने मना कर दिया, तो क्या हो गया, दूसरी बार में हो जाएगा भाई। एक आदमी ने पहली बार प्रपोज किया, हाँ हो गई और ज़िंदगी भर परेशान रहा उसके बाद, ये भी तो हो सकता है। और एक को 8वीं बार में सफलता मिली, पर ठीक सफलता मिल गई, ठीक व्यक्ति जीवन में आ गया और जीवन बढ़िया कटा उसका। तो सिंबॉलिक चीज़ों में बहुत मत उलझिए कि पहला रैंक नहीं आया तो जीने का क्या फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं। आप जिस सर्विस में जाएंगे उस सर्विस में रहेंगे, अगर आप IPS बनेंगे 230 रैंक जनरल में आएगा तो भी IPS बनेंगे, 465 आएगा OBC में तो भी IPS बनेंगे, 510 यहाँ आएंगे तो भी IPS बनेंगे। और IPS बनने के बाद बिल्ले बराबर लगते हैं, स्टार बराबर लगते हैं, वर्दी जैसी मिलती है, कोई नहीं पूछता कि आप किस कैटेगरी से आए थे। उसके बाद तो काम बोलता है, काम फिर नाम नहीं बोलता। और मेरे अनुभव में जो सबसे शानदार ऑफिसर्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनका रैंक सबसे शानदार था सिविल सेवाओं में, ऐसा एकदम नहीं है। रैंक अलग चीज़ है और UPSC का रैंक तुक्के की बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका, क्योंकि इंटरव्यू में 10-20 नंबर कम हो जाते तो पहले रैंक वाला, जैसे इसी बार देखिए ना, किसी भी साल देखेंगे तो आमतौर पर सेकेंड थर्ड रैंक्स में देखेंगे, कईयों में ऐसे लोग हैं जिनके मेंस में ज़्यादा नंबर थे उनका रैंक पीछे है, क्योंकि इंटरव्यू में बाई चांस कम हो गए नंबर, तो खूब चलता रहता है। अब अपने मन में एक रैंक बैठा लिया आपने, हम एक काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप सभी जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप लक्ष्य रखो चंद्रमा का, नहीं भी चढ़े तो माउंट एवरेस्ट उतर ही जाओगे। तो लक्ष्य थोड़ा ऊंचा रखने से ना फायदा रहता है कि थोड़ा कम भी हुआ तो भी कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। तो हम लक्ष्य रखते हैं कि हमको पहले 78 रैंक में आ जाना है। और 78 क्यों? क्योंकि पिछले साल 77 था, इस बार 78 है,
हम और सिंपल कर लेते हैं, हम 75 मान लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमें 75 रैंक पे आना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आ गए तो और अच्छी बात है, नहीं भी आए तो 75 में आ जाना है ताकि प्रॉपर IAS जनरल कैटेगरी से हम बन सकें। टारगेट तो ऐसे तय करेंगे ना। अब 75 पे अगर मैं देखूं इस बार, तो जिस बच्चे का 75th रैंक है उसके मार्क्स हैं 992 सब मिला के। कितना सिंपल हो गया, अब पता लगे कितने नंबर लेके आने हैं, कितने नंबर लाने हैं, 992। अगर 992 नंबर आ गए तो आप IAS बन जाएंगे, सिंपल है ना एकदम। ये ज़रूर है कि हर साल कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो 990 शायद 995 हो जाएगा, 985 हो सकता है। तो हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि आप 1000 के आसपास नंबर ले आएंगे तब कोई आपको रोक नहीं पाएगा IAS बनने से, जनरल से। सिंपल है, रॉकेट साइंस तो नहीं लग रही ना, आसान बात है ना। आपको 1000 नंबर चाहिए उससे आप IAS बन जाएंगे, सो सिंपल। अब इस 1000 को बांट लेते हैं, कैसे कैसे आएंगे, इतने तो काम करना है, ठीक है। चलो बांटते हैं, प्रीलिम्स से नंबर जोड़ेंगे इसमें, उसके नहीं जुड़ते हैं पता है ना, वो जोड़ के तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर तो, है ना। प्रीलिम्स के नहीं जुड़ते हैं अभी तक, नहीं जुड़ते, आगे चल के शायद सरकार कोई नया नियम बनाए तो बनाए। हम मेंस से बात करते हैं। मेंस में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है GS, एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक होता है SA। भाई मेंटरशिप टीम के लोग भी इस बात को नोट करते रहें कि किस किस अप्रोच से काम करना है, इसी अप्रोच से काम करवाइए बच्चों से। और फिर होता है इंटरव्यू, 275 नंबर का होता है इंटरव्यू, आप जानते ही हैं। GS कितने नंबर का होता है, 1000, और ऑप्शनल 500, और ऐसे 250, 250 का दुगना 500, 500 का दुगना 1000 GS। सारे पेपर 250 नंबर के होते हैं, ऐसे में एक पेपर है, ऑप्शन में दो हैं, GS में चार पेपर हैं, इसलिए ऐसा अनुपात है। मैं कुछ तथ्य बताऊंगा, उसके बाद आप बताना कितना स्कोर आप ले आएंगे, वरना बच्चों से पूछो कितने नंबर ले आओगे तो सर GS में 700 तो आने चाहिए, ऐसी ऐसी बात बच्चे करने लग जाते हैं तो थोड़ा घबराहट होती है उसके बाद मुझे। देखिए ऐसे में निशांत जैन को 160 नंबर मिले थे, 160, जो उस साल के लिए अच्छे नंबर थे। उस साल एक दो लोगों को 160 मिले थे, 140-150 तक कई लोगों को मिल गए थे। इस साल जो मैं देख रहा हूँ तो 143 अब तक मुझे हाईएस्ट दिखे, जो रवि के भी हैं, मनोज के भी हैं। इंग्लिश की बहुत मार्कशीट मैंने देखी नहीं है, जब देखूंगा तब बता पाऊंगा, अभी तक ज़्यादा मिली नहीं है मुझे मार्कशीट। तो मैं इस बार को बेस मान के चल रहा हूँ भैया, इस बार को बेस मान के कि टॉपर के 143 के आसपास मार्क्स हैं। आपकी राय में आप कितना टारगेट सेट करना चाहेंगे, आप 150, 170, 150? ठीक है, जब मैं आपकी उम्र में था ना, मेरा भी ऐसा मन करता था, मुझे कोई बोलता था ना कि आज तक के टॉपर्स के हाईएस्ट मार्क्स 150, आपके कितने आएंगे, मतलब 180, इसमें क्या सोचना है। आज तक ऐसा व्यक्ति हुआ ही कहाँ, मुझे ऐसा भाव अपने बारे में था उस समय, आप सबको भी होता होगा। देखिए जिस एग्ज़ाम में रवि सिहा के 143 हैं उसमें 150 का दावा करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, आपको अंदाज़ा नहीं है वो कितना खतरनाक आंसर लिखता है, बहुत ही खतरनाक निबंध लिखता है। तो टारगेट सेटिंग ऐसी कीजिए कि मतलब थोड़ी रियलिस्टिक रहे, वरना तो आपका रैंक वन आ ही जाएगा अभी थोड़ी देर में। रैंक वन भी इतना मुश्किल थोड़ा है, ऐसे तो आ ही जाता है। मेरे ख्याल से इस साल के ट्रेंड में टारगेट का मतलब ये नहीं कि इससे ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब इतना आ ही जाए इस भाव से कहना चाहिए। कोशिश कीजिए 130-135 के आसपास की, तो मन में बिठा लीजिए कि निबंध में 135 नंबर लेके आने हैं इस साल के ट्रेंड में। अगर अगले साल सबके 10 नंबर बढ़ गए तो 145 कर देंगे उसको। इस साल के ट्रेंड के हिसाब से 135 अगर आपके हैं तो आप IAS बनने के लायक व्यक्ति हैं जनरल से। अब दूसरी बात है कि ऑप्शनल में क्या करें और GS में क्या करें। देखिए GS में हिंदी माध्यम में 397-398 आमतौर पर हाईएस्ट होते हैं, 400 के आसपास। इस साल 424 हैं, 420 हैं, 419 हैं। तो इस साल को देखते हुए मेरे ख्याल से अगर आप 400 की रेंज में आ जाते हैं तो आप एक अच्छे उम्मीदवार हैं। तो
तो 400 नंबर जीएस में ले आएंगे। इस बार जीएस के पेपर टू और पेपर फोर में अच्छी मार्किंग हुई है, पेपर वन और थ्री में थोड़ी सी कम है। ऐसा होता है, हर साल चेंज होता रहता है। तो पेपर फोर में जनरली मार्किंग अच्छा होने का स्कोप ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो बड़ा सब्जेक्टिव है और एनालिटिकल पेपर है। तो 100-100 की एवरेज, एक में 90 हो गया, एक में 110 हो गया, 95, 105, कुल मिला के 400 की रेंज में अगर आप नंबर ले आते हैं जीएस में, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि 5-6 लोग लाए हैं इस बार। मैं ऐसा कोई टारगेट दूंगा ही नहीं जो असंभव टाइप का हो, है ना। बस इतना लेके आ जाइए। और ऑप्शनल में इस बार जो हालत है वो हालत ये है, जैसे रवि के 284 हैं, जो मयंक है उसके 275 मार्क्स हैं, बहुत लोगों के 274, 272, 270 इस तरह के मार्क्स हैं। तो आप कितने नंबर ले आएंगे बताइए मुझे। आप 300 लेंगे। रवि सी 284 लाया है, 4 साल जान देने के बाद अब 300 लेंगे। मतलब लेंगे तो बड़ी बात नहीं है, ऐसा थोड़ा ना कि असंभव है, लेकिन मतलब जो मैं कह रहा, देखो यार ये उम्र का अंतर है। जब मुझे पहली बार किसी ने कहा, जब मैं आपकी उम्र में था ना, तो मैंने एक वैकल्पिक विषय चुना अपने लिए केवल शौक से। मुझे लगा बड़ा प्यारा विषय है, पढ़ के मज़ा है, मैंने कहा बस यही रखेंगे। तो मेरे एक सुपर सीनियर जो मुझसे करीब 7-8 साल सीनियर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, बहुत नामी आदमी थे लेकिन प्रॉपर आईएएस नहीं बन पाए थे, उन्होंने मुझे कहा कि देखो मेरी सलाह है कि ये विषय मत लो। तो मैंने कहा क्यों? वो बोले कि देखो मैंने भी लिया था, मैंने कई लोगों को देखा है, खतरा ज़्यादा है फ़ायदा कम है, तो मेरी सलाह ये है कि मत लो, बाकी ज़िंदगी आपकी है। क्या चीज़? कौन थे, विषय कौन सा था बताऊंगा अभी। और मीडियम मेरा हिंदी था ऊपर से, उस विषय इंग्लिश में तो विषय बड़ा शानदार काम करता है। तो मैंने उनको देखा घूर के, फिर मैंने सोचा कि अच्छा इनका नहीं हुआ तो इनको लग रहा है कि सबका नहीं होगा, इनके नंबर नहीं आए तो इनको लग रहा है किसी के नहीं आएंगे, इनको पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। तो मैंने उनसे कहा थैंक यू फॉर योर सजेशंस, पर हम लेंगे तो यही विषय। तो मैंने वही विषय लिया, फिर 2 साल बाद छोड़ दिया। और 2 साल बाद समझ में आया कि अगर उस टाइम बात मान ली होती ना तो शायद 2 साल बच जाते हैं। उस विषय का नाम समाजशास्त्र है और हिंदी माध्यम में उसकी स्थिति बहुत ही डामाडोल है। जो 26 लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, उनमें से एक भी नहीं है उस विषय का। और इंग्लिश मीडियम में ऐसा चल रहा है कि जिसको देखो समाजशास्त्र, मीडियम के हिसाब से अलग अलग स्थितियाँ बनती हैं, तो अपना मीडियम देख के विषय चुनना चाहिए। तो समझे भाई, तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अच्छा आज तक के टॉपर के 284 हैं, मेरे 300 तो आई जाएंगे, क्या पता आ भी जाएं। मैं आपको अंडर एस्टिमेट क्यों करूं, लेकिन टारगेट सेट करते हुए अच्छा रहता है, थोड़ा सा रियलिस्टिक रखिए, क्यों हम इतना हवा में उड़े। मेरी बात से डिस्करेज मत होना, आप कोशिश करना कि आपके नंबर सबसे ज़्यादा आए, लेकिन ये UPSC है, थोड़ा सा इसमें चीज़ें बड़ी जटिल हैं, उन्हें ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना बाद में कभी कभी जब सपना टूटता है तो बड़ा दुख होता है। एक बात आपसे और कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपने एग्ज़ाम दिया, आपको उम्मीद है कि हो जाएगा, किसी को बताना मत कि अच्छा हुआ एग्ज़ाम। कई बार क्या होता है कि सिर्फ आपको पता है कि अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ भी नहीं है, आपको लग रहा है कि अच्छा हुआ है, और आपने ढिंडोरा पीट दिया गली गली में, गांव में खबर है कि मुन्ना IAS बनने वाला है और मुन्ना PT में रह गया। तो फिर मुन्ने का जो उस तरह के साथ मुंडन होता है ना उसके पूरे गांव में, बड़ा ख़राब होता है। गली गली में मजाक बनता है, उसके बाद घर घर में मजाक बनता है कि बेटा पढ़ ले नहीं तो मुन्ना बन जाएगा, ऐसे होता है उसके बाद। तो अपनी भद ना पिटवानी हो ना, तो ज़्यादा बड़े दावे मत कीजिएगा। रहीम एक बात बड़ी अच्छी कह गए हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टको मेरो मोल। बड़प्पन है तो दिखाओ मत ज़्यादा, ढिंडोरा मत पीटो, अंदर ही अंदर मन में रखो रिजल्ट बोलना चाहिए। आप ना बोलें, TV बोले, YouTube बोले, अखबार बोले कि आपने ये रैंक हासिल किया है, आपके बोलने से क्या मतलब है।
थोड़ा सा डाइजेस्ट करना सीखो, ज़्यादा बोलना नहीं कहीं भी। और जब कोई पूछे कैसा हुआ है, ठीक हुआ है, जबकि मन में बल नहीं है, उछल रहा है मन। मेंस आपने ऐसा लिखा कि आग लगा दी है, कोई पूछे कैसा हुआ, ठीक ही हुआ है, हो जाएगा, मुश्किल ही है, बोलना ऐसे ही है। पर जब हो जाए तो बेशक लोग कहेंगे इसको तो खुद ही उम्मीद नहीं थी, पता नहीं कैसे हो गया, कोई बात नहीं। पर अगर आपने कहा क्यों नहीं होगा और फिर नहीं हुआ, अगर उसके बाद जो गत बनेगी वो ज़्यादा बुरी बनेगी, इसलिए थोड़ा सा संभल के चलिए। मेरे ख्याल से इस बार के ट्रेंड के हिसाब से अगर आप 270 के आसपास हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपका है। मैं आपसे कह रहा हूँ 284 भी हैं, 275 भी हैं, मैं उसके बाद भी 270 आपसे कह रहा हूँ, है ना। कोशिश कीजिएगा कि इनमें से एक आदमी थोड़ा नंबर ज़्यादा भी आ जाए, पर इतना बैलेंस अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो ठीक है, चिंता वाली बात नहीं। तो कितना हुआ कुल मिला के बताइए? ये हो गया 805 नंबर, 805। इसी साल नहीं 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 देखिए, ये कह रहे हैं कि ये क्या गारंटी है कि इस साल का ट्रेंड दोहराया जाएगा? मैं तो कहीं नहीं गारंटी है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ट्रेंड चेंज होता रहता है, लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगले साल ऐसे लिख के आएंगे, अगर मार्किंग आसान हुई उस साल तो सबके नंबर 10-10 बढ़ जाएंगे, आपके भी बढ़ जाएंगे, फिर ये कट ऑफ भी बढ़ जाएगा 10 नंबर, कुल मिला के लेवल वही रहने वाला है। इसलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस साल का ट्रेंड क्या है। अगर आपकी परफॉर्मेंस एक लेवल पे है तो नंबर आपके ऊपर नीचे होंगे, पर सबके ही होंगे, तो रिजल्ट वही रहेगा, आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। अब अगर 805 आ ही गए हैं और 1000 लाने हैं तो 195 आपको चाहिए इंटरव्यू में। आसान नहीं है 195, इस पर 193 हाईएस्ट हैं हिंदी मीडियम में, और इसका मतलब समझ पा रहे होंगे पहले 75 में आना इतना आसान काम नहीं होता है। हो सकता है कि आप इनमें से किसी एक आदमी 5 नंबर बढ़ा लेंगे, 10 बढ़ा लेंगे। अगर आप ऑप्शन में 280 लेके आ गए तो यहाँ 185 से काम चल जाएगा। जीएस में क्या होता है, 410 नंबर लेके आ जाएंगे आप, यहाँ 10 नंबर और कम हो जाएंगे। पर कुल मिला के लगभग ये बैलेंस लाएंगे तो जाके पहले 75 रैंक में आएंगे। और यदि इनमें से किसी में उछल गया मामला ज़्यादा अचानक, कि आपने इंटरव्यू दिया, कुछ ऐसा आपने बोल दिया, आपको भी नहीं पता क्या बोला, मेंबर्स मतलब मस्त हो गए एकदम कि ये था कहाँ बच्चा आज तक, और 206 11 नंबर एक्स्ट्रा हो गए। तो अगर एक दो जंप लग गए एक्स्ट्रा तो पहले 10, पहले 20, नहीं तो पहले 75 आईएएस। और यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तब तो बहुत आसान है, पहले 200, 250, 400, 500 में आना है तो भी आईएएस मिल जाना है। कहानी स्पष्ट हुई यहाँ तक की आप लोगों को? हाँ या ना, जोर से बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। अब कह तो दिया, इतने नंबर आएंगे कैसे, कहना तो बड़ा आसान काम है। तो इस सारे मामले में अब हम ये समझेंगे कि आपको तैयारी के दौरान किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है, अभी से क्या क्या शुरू कर देना है। एक प्रश्न होता है बच्चों का कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट का हम क्या करें। मैं कई साल से बच्चों को समझा रहा हूँ, आज फिर आपको समझा दूंगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट इस परीक्षा में अकेली चीज है जो आपको चुनना है अपने हिसाब से, बाकी सब दिया हुआ है। जीएस सबको देना है और इंटरव्यू सबको देना है, एसए सबको देना है, केवल एक चीज है जो आपको अपने हिसाब से चुन लेनी है, ठीक है। तो चुनने में कोई मिस्टेक ना हो जाए ये बात मैं कहता हूँ, और मैं इस बार का भी डेटा जो है ना उस साथ में ले आया हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो बात हम करें तथ्यों के साथ करें, हवा में कोई बात ना करें। जो 25-26 लोग मेरे पास अभी तक लिस्ट बन पाई है इस बार की, वो डेटा मेरे पास है। 26 है, उनमें से एक बच्चे ने ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में रखा था। एक विकल्प ये भी होता है कि अब जीएस हिंदी मीडियम में लिखें, एसए हिंदी में लिखें, ऑप्शनल इंग्लिश में लिख लें, तो एक विद्यार्थी ने जिसका 104 रैंक है वो विकल्प चुन, बाकी सबका ऑप्शन हिंदी मीडियम में था। तो ये कुल संख्या मेरे पास जो है 21-25 लोगों की संख्या है। जो 25 लोग मेरे सामने इस समय हैं लिस्ट में, मैं पहले वो केवल ये बता देता हूँ कितने लोग किस विषय से सफल हुए। ये एग्जैक्ट निष्कर्ष ही निकलेगा, लेकिन एक संभावना आप समझ पाएंगे क्या होगा।
और मैं उससे पहले एक संकेत कर दूं, मैं बार बार ये मत समझाता हूं, एक यूट्यूब पर वीडियो भी विस्तार में है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हुए इमोशनल नहीं होना है कि हाय मैं 3 साल से विषय पढ़ता आ रहा हूं, कैसे छोड़ दूं मैं इसे, मैं बेवफा हो जाऊंगा, है ना। इमोशनल होकर फैसला नहीं कर रहा है। आप 3 साल से पढ़ रहे हैं, UPSC उसको मतलब हिंदी मीडियम ऐसी वैल्यू नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे आप उस विषय का। दिमाग लगाना है, ठीक लगाना है। कई लोग बोलते हैं कि मैं ये विषय लूंगा क्योंकि ये पढ़ते ही GS कवर हो जाता है। GS तो कवर हो गया, ये विषय खुद में कवर बना हुआ है, तो क्या हो गया, GS ने अपने 1 महीना बचा लिया और विषय ने आपको डुबा दिया पूरी तरह से। अगले साल अगले साल अगले साल बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं। मैंने ऐसे कई 30 बार का देखे, 1 महीना बचाने के लिए 5 साल खराब कर देते हैं और फिर जिंदगी भर बचाते हैं 1 महीना अपना, सिलेक्शन ही नहीं होता। एक नंबर भी छोड़ना नहीं है, और ये 270 इस बार आसान नंबर नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। केवल एक कसौटी रखिए और वो ये है कि आपको उस वैकल्पिक विषय में अंक कितने मिलने की संभावना है, बस। UPSC बोलती है और कई बाबा लोग बोलते हैं सभी विषय बराबर हैं, आप कोई भी चुन लीजिए। सभी विषय उतने ही बराबर हैं जितने देश में सब नागरिक बराबर हैं। संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 में लिखा है, सब बराबर है कानून के सामने। कितने बराबर हैं आप जानते ही। तो जिस तरह से संविधान में लिखा होने से देश के नागरिक बराबर हैं, वैसे UPSC की निगाह में सारे विषय बराबर हैं। उन्हें पता नहीं, दिखता नहीं, समझ नहीं आता कि हर विषय का जो रिकॉर्ड है मीडियम वाइज उसको देखें तो समझ में आए। इंग्लिश मीडियम में इस समय धूम मची हुई है सोशियोलॉजी, थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी चल रहा है इस समय, और पॉलिटिकल साइंस चल रहा है धूम धड़ाके से। मतलब मैंने, आश्चर्य करेंगे आप लोग, अगर 100 इंजीनियर हैं उनमें से 90 लोग इंजीनियरिंग का विषय छोड़ के ये विषय लेते हैं इंग्लिश मीडियम में और सिलेक्ट हो जाते हैं उससे। अपने मूल विषय से नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन अलग लेवल पे है, यहाँ कम लेवल पे है। GS के लिए पढ़ना ही होता है, साथ में ये भी कवर कर लेते हैं, स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करते हैं। केवल एक कसौटी, हिंदी माध्यम में तो वैसे ही दिक्कत नंबर की ज़्यादा रहती है, जिसमें अंक आने की संभावना ठीक ठाक हो वो विषय चुन लीजिए। पर हिंदी मीडियम में केवल 2 विषय या 2.5 विषय 3 मान लीजिए, तीसरे का मुझे स्कोर मिल नहीं पाया अभी, कल परसों मिलेगा। एक विषय है इस समय हिंदी साहित्य, एक विषय है इस समय इतिहास। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ 5 वैकल्पिक विषय पढ़ाए जाते हैं जिनमें से 2 को बंद करने का फैसला किया है इस साल से, कि हम उसमें नहीं चाहते कोई पढ़े। उनमें से एक का नाम है समाजशास्त्र, एक का नाम है भूगोल। रिजल्ट नहीं है, हम यहाँ बंद ही कर रहे हैं इस बार से। समाजशास्त्र का आखिरी बैच जो चल रहा है बस वो पूरा होगा, थोड़ा सा बचा हुआ है। भूगोल का बैच शुरू ही नहीं कर रहे, ना कर रहे हैं, ना आगे करने का कोई मन है हमारा। हाँ, कल को ऐसा होगा कि रिजल्ट अच्छा आने लग गया तब कर लेंगे, जब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा नहीं करेंगे। अब हमारे पास केवल 3 वैकल्पिक विषय रहेंगे अब से, और तीसरा विषय है राजनीति विज्ञान, जो डिसेंट तरीके से ठीक है, उसकी प्रेजेंस बहुत शानदार नहीं है, खराब नहीं है, ठीक प्रेजेंस है। अब इस बार का ट्रेंड थोड़ा सा कैसा है, जो 25 व्यक्तियों की लिस्ट मेरे पास है इस समय, उनमें से 2 का विषय है भूगोल। हालांकि नंबर उतने अच्छे नहीं है, मैं नंबर देखे, 1 के 212 नंबर हैं, 1 के 260 के आसपास है। 2 का विषय है राजनीति विज्ञान, और मुझे इन दोनों बच्चों की मार्कशीट अभी मिल नहीं पाई है। पॉलिटिकल साइंस 2 का है। इस बार संयोग ऐसा है कि नंबर्स के हिसाब से देखें तो इतिहास 1 ही व्यक्ति का है, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है वो व्यक्ति बहुत ही शानदार है, आनंद नाम है, उसके नंबर उसमें जरूर काफी अच्छे होंगे। मैं भी एग्जैक्टली देख नहीं पाया हूं, पर वो निश्चित रूप से 270-280 की रेंज में होगा, बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है। इसके बाद 1 व्यक्ति है मैथिली साहित्य में, 1 व्यक्ति है संस्कृत साहित्य में,
एक व्यक्ति का विषय है गणित। अगर आपका गणित बहुत अच्छा हो तो गणित यूपीएससी के लिए बड़ा अच्छा विषय है, हिंदी माध्यम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। आप में से कितने लोगों का गणित इतना अच्छा है, शानदार खतरनाक टाइप का गणित है, हाँ तो आप गणित के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स उस लेवल का है तो मैथमेटिक्स भी एक अच्छा विषय हो सकता है। और 25 में से जो बाकी लोग हैं उनकी संख्या 17 है और ये हैं हिंदी साहित्य के। ये इस साल का ट्रेंड है जो 25 लोगों की लिस्ट मेरे पास है। आज से 5-7 दिन के बाद शायद 3-4 नाम और होंगे, उनका विषय भी देखेंगे। अभी फिलहाल ये है कि 18वें रैंक पे रवि, उसका हिंदी है, 22वें रैंक पे सुनील, उसका हिंदी है, फिर 147 से मयंक, उसका हिंदी है, और उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको एक दो लोगों का नाम बताया था, जैसे दिव्या एक लड़की का नाम बताया उसका, या सोनू परवार है उसका, इस बार एक बच्चा है जो पिछली बार IPS बना था, इस बार IAS बन गया है, उसका नाम है आलोक प्रसाद, उसका भी ये विषय है। तो कुल मिलाके एक ये रेंज है, लेकिन संख्याओं को जाने के बजाय अगर अंकों की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से अंकों की दृष्टि से इस समय हिंदी साहित्य और इतिहास ये दो विषय ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस आमतौर पर ठीक ठाक रहा है, इस बार के मार्क्स में देख नहीं पाया हूँ, तो देखूंगा तब आपको और अच्छा बता पाऊंगा। कहने का भाव ये है कि जब भी विषय चुने इमोशनल होकर मत चुनिएगा। दो ही तरीके हैं, इतिहास आपको हेल्प करता है GS में, आप पढ़ते हैं, अगर ये वाला तर्क लेना है इतिहास रख लीजिए। हिंदी साहित्य हेल्प करता है आमतौर पर दो चीज़ों में, एक तो निबंध में, क्योंकि निबंध में एक तो जो कोटेशंस हैं कविताएं की पंक्तियां हैं वो बहुत हेल्प करती हैं, और दूसरा हिंदी साहित्य पढ़ते हुए आपको दार्शनिक अमूर्त विषयों पर सोचने का अभ्यास अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि साहित्य पढ़ते हुए दर्शन पढ़ना ही पड़ता है आपको ठीक ठाक। तो निबंध में एक्स्ट्रा बेनिफिट हिंदी साहित्य से हो जाता है, GS में एक्स्ट्रा बेनिफिट इतिहास से हो जाता है, और यदि इन दोनों में अंकों की तुलना करें तो जनरली हिंदी साहित्य थोड़ा सा 2-4-5 नंबर बेहतर रहता है, कभी कभी इतिहास भी आगे निकल सकता है। यहाँ तक बस स्पष्ट हो गई, और ऑप्शनल पढ़ने का मतलब समझते ना क्या होता है। ऑप्शनल पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि रैंडमली पढ़ लिया, ये आपका जैकपॉट है, ध्यान रखिएगा। इस एग्जाम में जो सिलेक्शन के लिए आपके सबसे बड़े डार्क हॉर्सेस या जैकपॉट्स होते हैं, जैकपॉट समझते हैं ना क्या होता है, खजाना, अचानक मिलने वाला खजाना, जहां आप बहुत जबरदस्त तरीके से बाकी लोगों से बढ़त ले सकते हैं। उनमें से एक है वैकल्पिक विषय, एक है निबंध और एक है इंटरव्यू। GS में क्या होता है कि GS अगर आपका बहुत अच्छा है तो शायद आप बाकी लोगों से बहुत बढ़त लेंगे, ऐसा ना हो 10-20-25 की बढ़त ले पाएंगे। इन सब में तुलनात्मक रूप से मेहनत कम है, लेकिन तो बाकी लोगों से बढ़त लेने की क्षमता ज्यादा है, संभावना ज्यादा है। जैसे इंटरव्यू में हो सकता है कि दो विद्यार्थी जिनके मेंस का स्कोर बराबर हो उनके बीच में 50 नंबर का गैप हो, जबकि केवल 275 का है। 1000 नंबर के GS में 50 का गैप पैदा करना बहुत आसान नहीं होता है, इसमें तुलनात्मक रूप से आसान हो सकता है। ठीक वैसे निबंध में, अगर आप निबंध में डेविएशन देखेंगे कि सबसे कम सबसे ज्यादा उसके बीच का गैप देखेंगे तो गैप ज्यादा दिखेगा। जैसे इस बार मैं आपसे कह रहा हूं बहुत लोग 90s के आसपास हैं, कुछ लोग 140 प्लस पे चल रहे हैं, यहां भी हो सकता है 20-25-50 नंबर गैप हो जाए, और मेहनत कम है। निबंध में आपको ना कुछ नया सीखना है ना कुछ उसके लिए बहुत पढ़ना है, मुश्किल से 8-10 दिन लगते हैं उस स्किल को सीखने में जो निबंध लिखने में चाहिए आपको, और यदि आपने उसके बाद 15-20 निबंध ठीक से लिख लिए तो फिर तो कमाल ही कमाल है। और निबंध में अगर आप बाकी लोगों से 20-25 नंबर की लीड ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है आपके लिए, तो इसे क्यों आप नुकसान करेंगे अपना। GS में क्या है कि विस्तार बहुत ज़्यादा है, GS पढ़ते पढ़ते 1.5 साल तक आप GS पढ़ेंगे, इतना GS का फैलाव है, लेकिन उतनी मेहनत करने के बाद भी गैप पैदा करने की संभावना उतनी नहीं है, जबकि निबंध में इंटरव्यू में मेहनत बहुत कम है और गैप पैदा करने की संभावना तुलनात्मक रूप से ज्यादा है।
वैकल्पिक विषय को ठीक से करने का मतलब यह होता है कि जितने प्रश्न इसमें आज तक आए हैं और आ सकते हैं उन सब का आपने अभ्यास कर लिया। जैसे हिंदी साहित्य में मैं अब लाइव नहीं पढ़ाता हूँ, अब तो वीडियो बैच चलता है, तो हम करते क्या है 157 क्लासेस होती हैं जिसमें हम लगभग 15वीं क्लास के आसपास एक टेस्ट लेना शुरू करते हैं डेली। करीब 142 के आसपास टेस्ट होते हैं रोज, उनके मॉडल आंसर हम देते हैं क्लास के बाद। उनके अलावा 18 टेस्ट और होते हैं। और हमने पिछले कई सालों में देखा है कि UPSC में आने वाले लगभग सारे के सारे प्रश्न उन टेस्ट में से आ जाते हैं। यदि किसी ने वो टेस्ट लगातार दिए हैं, सीरियसली दिए हैं, मॉडल आंसर्स पढ़े हैं, तो 500 नंबर में से 480, 470, 490 नंबर का पेपर एज इट इज आपको UPSC में मिल ही जाता है। कितना कोई सवाल पूछेगा? जितने सवाल बन सकते हैं अगर आपने सबका ही अभ्यास कर लिया तो कहाँ से सवाल आ जाएगा? ऑप्शन की तैयारी करने का ये मतलब होता है। इससे कम तैयारी अगर है तो इसका मतलब आप उतने सीरियसली तैयार नहीं। निबंध की तैयारी करने का मतलब क्या है? निबंध की तैयारी करने का मतलब है कि अमूर्त विषयों पर कम से कम 50 निबंध लिखने का अभ्यास होना चाहिए। कम से कम 100-150-200 कोटेशंस, बढ़िया कविताओं की पंक्तियां, गद्य की पंक्तियां, महान लोगों की पंक्तियां याद हो, उनको सटीक तरीके से जोड़ने की क्षमता आपके अंदर हो, भाषा इतनी अच्छी हो, प्रवाह इतना अच्छा हो कि एग्जामिनर पढ़ने बैठे तो छोड़ ना सके। ऐसा निबंध जब कोई लिखता है ना, आपको रवि सिंह का निबंध हम भेजेंगे जल्दी ही, पढ़िएगा उसको, उसी की हैंडराइटिंग में कैसा निबंध लिखते हैं एग्जाम से पहले ये लोग। ऐसे GS में केस स्टडीज आती है एथिक्स में, वो किस लेवल पर जाके लिखते हैं वो समझना पड़ता है। और इंटरव्यू के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोग अभी से जो काम शुरू कर देना चाहिए। इंटरव्यू में क्या होता है, देखिए इंटरव्यू के नंबर किस बात के मिलते हैं? मैं कई बार बच्चों को समझाता हूँ, कई बच्चे ना उस भाव को समझते नहीं। मैंने अभी 3-4 दिन पहले कुछ बच्चों से बात हुई, वहां भी समझाया उनको। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण समय है। मैं IAS का इंटरव्यू देने प्रवेश कर रहा हूं, ऊपर से शंख ध्वनि आएगी, ऊपर से पुष्प फेंके जाएंगे देवताओं द्वारा, आपके मन में ऐसे भाव आएंगे उस समय कि पृथ्वी कुछ देर के लिए घूमना बंद कर देगी कि कुछ खास खतरनाक काम चल रहा है वो हो जाए, उसके बाद वापस घूमना शुरू करते हैं। आपके मन में ऐसे भाव उस समय आते हैं कि इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता दुनिया में कि मैं इसका इंटरव्यू दे रहा हूं। और इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स के मन में पता क्या चल रहा होता है? उनके मन में होता है कि आज का 8वां है और इसके बाद 4 और निपटाने हैं, यही शब्द निपटाने हैं। उनकी ड्यूटी है कि एक दिन में 12 बच्चे निपटाने हैं उनको, और सब बोर्ड को बताते हैं कि एवरेज मार्क्स लगभग बराबर रखना, एवरेज लगभग बराबर रख लेते हैं वो लोग। मैंने पिछले साल के देखे हैं सारे बोर्ड्स के मार्क्स, तो 165 से 2-3 नंबर ऊपर नीचे एवरेज दिखते हैं हर बोर्ड में। पर वो कलाकारी क्या करते हैं कि जैसे एक अच्छा लगा 235 ज़्यादा हो गए, दूसरा खराब लगा 130, एवरेज 165, एवरेज वही रहती है। उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे, रत्ती भर मतलब नहीं है। उनको तो 12 पूरे करने हैं जो उनकी जिम्मेदारी है, और 5 लोग बैठे हैं, किसी ना किसी को जल्दी जाना ही होता है रोज कि यार आज बेटा आने वाला है विदेश से, फिर जल्दी फ्री होना चाहता हूँ, जल्दी निपटाओ सर, फिर जल्दी निपटा रहे हैं सब लोग। आपकी जिंदगी दांव पे लगी है, उन भाई साहब को जल्दी जाना है। अगर ये परसेप्शन रहेगा ना तो चीजें ठीक रहेंगी। मतलब वो चाह रहे हैं कि आपसे बात करें, भगाए आपको। और खराब इंटरव्यू तो 10-15 मिनट भगा देते हैं अगर आप में दम नहीं है। अगर कोई बहुत ही बुझा हुआ व्यक्ति है, ठीक से बातें नहीं कर रहा, इंट्रोवर्ट है, इतना शर्मा रहा है, वहां पर खोद खोद के पूछ रहे हैं तब भी कुछ खास नहीं बता रहा है, तो 10-12 मिनट में ना वो उबासी लेना शुरू कर देते हैं और आपस में इशारे करते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने, बहुत अच्छा दिया, अब आप जा सकते हैं, धन्यवाद, और भगा दिया आपको। फिर नंबर कितने आएंगे? 110 जो मिनिमम है,
क्या इसमें भी खुश है कि 110 दिए हैं मुझे, ये नहीं पता कि सबसे कम दिए हैं 275 में से। आपको इंटरव्यू बोर्ड से समय छीनना होता है कि वो सोच के बैठे कि भगाना है 20 मिनट में, और बाद में घड़ी देखी, अरे यार 40 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला। ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए। कभी आपने फील किया कि किसी किसी से बात करते हुए बार बार टाइम देखते हैं आप, कब जाएगा, क्यों आ गया, अरे यार अरे यार, और किसी खास व्यक्ति से मिलते हुए समय का पता ही नहीं चलता। कितना मुस्कुरा के बोल रहे हैं, हाँ सर एकदम, पता ही नहीं चलता है। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, अरे इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं चलता है। ठीक वैसा व्यक्तित्व चाहिए कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाए, वो 5 लोग जिनकी औसत उम्र 60 साल होती है, सब रिटायर्ड लोग हैं, ये रिटायरमेंट के आसपास हैं, वो लोग 60 के आसपास की उम्र है उन लोगों की, और जितनी आपकी उम्र है उतनी उम्र से वो खेल रहे हैं दुनिया में। ज्यादा हीरो मत बनना उनके सामने, सब समझते हैं वो लोग। ठीक वैसी जैसे 4-5 साल का बच्चा आपके सामने हीरो बने, आपको पता है कि बहुत दूर सब समझ रहा हूं मैं, ये सब करके बड़ा हुआ हूं। ठीक वैसे वो सब करके बड़े हुए हैं जो भी आप उनके सामने कर रहे हैं। तो ड्रामा नहीं करना, गहरी बात करनी है, और ऐसी बात करनी है कि वो दंग रह जाए कि अरे यार कितना शानदार बच्चा है, तो कमाल कर दिया इसने। अब ये शानदार व्यक्तित्व कैसे बनता है? 2 चीजों से बनता है, एक आपने क्या बोला और दूसरा आपने कैसे बोला। कई बार क्या होता है कि अच्छा आंसर दे रहे हैं पर इतना खराब तरीके से दे रहे हैं कि वही चुप जाता है। जैसे आप अपने पेरेंट्स से कोई ठीक बात ही बोले पर कड़वे तरीके से बोले, उन्हें अच्छा लगेगा बुरा लग जाएगा? बुरा लगेगा, क्योंकि खराब तरीके से आप बोल रहे हैं, है ना। अच्छी बात को अच्छे तरीके से बोलना, दोनों जरूरी बातें हैं ना। तो खराब बात भी अच्छे तरीके से बोलेंगे तो फायदा कर देगी। जैसे कई लोग सॉरी बोल बोल के नंबर ले आते हैं, क्या कोई आता है सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी मैडम मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सो सॉरी मैडम। मैडम कह रही कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैडम को लग रहा है कि मैडम ही सॉरी हो जाती है इसे। इतना प्यार से सॉरी बोलते हैं कि मन करता है कि सॉरी तो हमें बोलना चाहिए कि मैं पूछा क्यों आपसे ये सवाल, इतना प्यार से बात करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं लेकिन खड़ूस तरीके से दे रहे हैं, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं कि आप दहेज लेंगे? नहीं सर। क्यों? नहीं सर नहीं लूँगा, हमारे पेरेंट्स ने कह रखे है, मैं भी नहीं लूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या आप करप्शन करेंगे? नहीं सर, मर जाऊंगा नहीं करूंगा। और प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर रहे, खड़ूस तरीके से बात कर रहे हैं। कभी कभी तो यहां तक मैं इंटरव्यू के बच्चों को सलाह देता हूं कि देखो मान लो, अंततः मनोविज्ञान का खेल होता है, मान लीजिए कि आपसे 20 सवाल पूछे, आपने 20 के 20 सवाल के सही जवाब दे दिए, बढ़िया जवाब, थोड़ा ध्यान से टटोलना उनको, हो सकता है कि आपके सारे सही जवाब आपके खिलाफ जा रहे हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, रेयरली ऐसा हो सकता है। कभी कभी कुछ पैनलिस्ट वहां जो पहली बार आते हैं ना स्पेशली, वो बाकी 4 के सामने साबित करना चाहते हैं कि देखो मैं क्या चीज हूं, और ऐसा सवाल ढूंढ कर आते हैं कि कोई जवाब दे ना सके। बेचारा ने बड़ी मेहनत करके 10 सवाल इकट्ठे किए थे, आपने सबका जवाब दे दिया। उससे बड़ी मुश्किल से पूछा, आपने कहा सर खटाक से जवाब दिया, ये जवाब है। कह रहा अच्छा ये बताओ फिर, लंबा सवाल पूछा, सर ये जवाब है, सर ये जवाब है, ये जवाब है, ये जवाब है। समझ लेना, हो सकता है कि उसके अंदर ये भाव ज्यादा आने लगे कि छोड़ूंगा नहीं इसको, मेरा सारा आत्मसम्मान खत्म कर दिया, सारी ईगो सारा अहम सब खत्म कर दिया मेरा। तो समझदार बच्चे क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि बात ईगो फाइट पे आने लगी है, अगला सवाल आता है, उनको आंसर आता है ठीक से, क्या बोलते हैं, सर सॉरी मैं एग्जैक्टली ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, आप अनुमति दे तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ। फिर उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है, एकदम ठंडा पानी पड़ जाता है, बोलता है हाँ हाँ लगाओ अनुमान, गेस करो। फिर मैं सही जवाब दे दिया तो क्या, व्हाट ए गेस,
क्या बात है यार, क्या गेस किया आपने। अब वो खुश है क्योंकि इसको भरोसा है कि इसको गेस करना पड़ा, मुझे आता था। और आपके मन में क्या आ रहा है, क्या आदमी हो यार तुम। उसके मन में आ रहा, क्या जवाब है तुम्हारा। आपके मन में आ रहा, क्या आदमी हो यार तुम। अजीब हाल है। सारा खेल इस बात का है कि कितना मजा पैनल को आपसे बात करके आया, आपकी बातें ऐसी। तो दो फैक्टर्स हैं, एक तो बातें गहरी हों, सुलझी हुई हों, उलझन न हो, टू द पॉइंट हो। तो पूछे कि ये सिचुएशन है आप क्या करेंगे, गोल मटोल बात नहीं करनी है, उनको गोल मटोल बात वाले अच्छे नहीं लगते हैं। सीधी सच्ची बात एकदम कि सर इस स्थिति में मैं तीन काम करूंगा, नंबर एक दो तीन, खटाक। जहां आपने एक दो तीन करना शुरू किया, यूपीएससी वाले पागल हो जाते हैं उसके बाद। उन्हें लगता है कि यही वो बच्चा है जिसके लिए विज्ञापन दिया था आपने। सटीक, टू द पॉइंट, मारक बात। तो आपके आंसर अच्छे कैसे होंगे, आंसर तो दो साल पढ़ते पढ़ते अपने आप अच्छे होने लग जाएंगे। अथाह समुद्र जैसा विषय है यूपीएससी का पाठ्यक्रम, जीएस विशेष रूप से। इतना पॉलिटी, इतना इकोनॉमी, इतना हिस्ट्री, इतना एनवायरनमेंट आप पढ़ेंगे कि इंटरव्यू के समय तक उन चीजों को आपस में जोड़ भी पाएंगे अगर आप आंसर देने में ना, तो आपके आंसर शानदार बन जाएंगे। इसमें कोई दुविधा नहीं, बस जो भी विषय पढ़ना डूब के पढ़ना, ऊपर ऊपर मत पढ़ना, ठीक से पढ़ना। उसको पढ़ना प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, आंसर राइटिंग, वो सब इतना अच्छे से करो कि फिर जो विषय पढ़ लिया उस पर बात करते हुए लगना चाहिए कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात चल रही जिसने ठीक से पढ़ा हुआ है। इंटरव्यू की बाकी तैयारी समय आने पे हो जाती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आंसर्स बड़े अच्छे आते हैं पर आंसर देने की अदा नहीं आती है, स्टाइल नहीं आता है, आवाज़ ऊंची नहीं होती है, बहुत धीमे बोलते हैं, धीमी गति से बोलते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं, खुल नहीं पाते हैं। उनको 10 मिनट चाहिए खुलने में और उनको 8 मिनट चाहिए निपटाने में। तो वो पहले निपटाएंगे या पहले आप खुलेंगे, ये वहां पर द्वंद्व रहता है बहुत ज्यादा। तो खुलने में 10 मिनट मत लेना भाई, 10 सेकंड लेना, जाते ही सीधे एकदम खुले हो जाना पहले से। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, पूरी बुलंद आवाज में। वो हिल जाएगी, कोई आ रहा है वही लगता है। हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाके आराम से बैठिए धड़कते हुए। और पहले जवाब से लगे जिंदा आदमी से बात चल रही है। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम संदीप कुमार है। बुलंद आवाज में बोली हर बात। आपके जाने से एनर्जी आ जानी चाहिए सबके अंदर, जो बल्ब मुरझा रहे थे 100 वाट के हो जाए तुरंत आपके जाते ही, ऐसा करंट लगना चाहिए। और फिर एक एक सवाल का बढ़िया जवाब, कहीं कहीं बीच में हंसिए, मुस्कुराइए, एक आध जगह हंसा दीजिए उनको, तथ्यों के साथ बात कीजिए कि आपके राज्य की स्थिति बाकी राज्यों से क्यों खराब है। सर इसके पीछे 4 फैक्टर्स हैं, एक भौगोलिक कारण ये है, ऐतिहासिक ये है, सांस्कृतिक ये है, और एक मनोवैज्ञानिक कारण ये भी है, और इसलिए इन चारों पर ध्यान दिए बिना मेरे राज्य का विकास नहीं हो सकता। अगर आप अपने जिले में कलेक्टर बनेंगे तो क्या करेंगे, तीन काम। सर नंबर एक, मैं शिशु मृत्यु दर कम करना चाहूंगा क्योंकि शिशु मृत्यु दर मेरे जिले में इतनी है जबकि आसपास के जिलों में इतनी है, हमारा जिला इस मामले में आसपास के इलाके से पीछे है, सबसे पहले उस पर काम करने की जरूरत है। तथ्यों के साथ, लेटेस्ट रिपोर्ट से सब बात करनी है, इंडेक्स कौन सा लेटेस्ट आया उसके बेस पे बात करनी है, और वो सब जीएस में पढ़ेंगे आप, कुछ नई बात नहीं है, बस उन महत्वपूर्ण तथ्यों को आपस में जोड़ के अपने उत्तर तैयार करने हैं। पर बोलना कैसे सीखेंगे, तो आप में से जो लोग बचपन से मंच पर बोलते आए हैं उनको दिक्कत नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो मंच के कलाकार रह चुके हैं, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं मंच पे, गाना गाते हो, लेक्चर देते हो, और आप लेक्चर स्पीच, क्या बात है यार, आप डिबेटिंग सोसाइटी में से, बहुत बढ़िया। अगर आप डिबेट कर लेते हैं तो इसका मतलब दिक्कत बहुत कम है, बस ये ध्यान रखना कि वहां डिबेट करनी नहीं उनके साथ, बातचीत करनी। कई बार डिबेट करने से आदत खराब हो जाती है कि हम हर बात में डिबेट करने लगते हैं, है ना, बातचीत करने। जिनको ऐसा अनुभव नहीं है उनके लिए मेरी सलाह अभी से ये है कि 2-4-5 बच्चों का ग्रुप बनाइए, खूब बातचीत कीजिए आपस में, हो सके तो सप्ताह में एक बार 5 विषय तय करके दे दीजिए कि संडे को समारोह होने वाला है। 5 को एक विषय दिया, 5 ने उस विषय को तैयार किया,
बाकी चार बन गए ऑडियंस, एक ने मंच पे खड़े होकर 10 मिनट तक बोला, बहाना मत मार रहा कि मंच नहीं है हमारे पास, चाय के खोखे पे जाके बैठ जाओ, वही मंच है, सब चाय पी रहे हैं, सामने खड़े होकर बोलना है। ये मत कहना कि आने जाने वाले सुनने लगते हैं तो क्या हो गया, सुनते हैं तो दो ऑडियंस और मिल गए आपको, क्या फर्क पड़ता है, या किसी के रूम में बैठ जाइए चार पांच लोग मिलके, 10 मिनट बोलिए उस टॉपिक पे, और फिर बाकी चार लोग आपको लहूलुहान करने वाले सवाल पूछें आपसे, अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, ये कैसे होगा, और आप हर चीज़ का जवाब दे पा रहे हैं। पहली बार में नहीं दे पाएंगे, पहली बार में टांगें ऐसे कांपती हैं, धीरे धीरे टांगें स्थिर हो जाती हैं, दो चार बार के बाद सवाल के जवाब भी अच्छे देने लगते हैं, और फिर लेवल क्या आना चाहिए कि अब टॉपिक एक सप्ताह पहले नहीं मिलेगा, आज सुबह मिलेगा, शाम को डिबेट है, और चार हफ्ते बाद डिबेट में ही मिलेगा, मंच पे खड़े हो जाओ पहले, चलो खड़े हो गए, हाँ ये टॉपिक है, 1 मिनट सोचो, 10 मिनट बोलो। इंटरव्यू में टॉपिक पहले नहीं मिलता है, आमने सामने बातचीत चलती है, टाइम नहीं है तो तैयारी करने का, वहां पर पहले तैयारी करके आइए, क्या दिक्कत है। और जिस दिन आपने वो स्थिति अर्जित कर ली कि बिना टाइम मिले आप किसी भी टॉपिक पे 10 मिनट बोल लेते हैं, प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं, कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं बीच में थोड़ा बहुत, तो आपकी पर्सनैलिटी 175 प्लस वाली हो गई, और फिर 195 तक लाने में, 206 तक लाने में थोड़ा सा और कलाकारी की ज़रूरत है, उसमें आप ड्रेसिंग सेंस कैसी है, वहाँ से लेकर आपकी अपने सब्जेक्ट्स पे पकड़ कैसी है, वो सब चीज़ें काउंट होती हैं, तब जाके किसी को 200 प्लस नंबर मिलते हैं, इतना आसान नहीं होता है। हाँ थोड़ी कठिन है, हाँ ठीक है, तो उस पर क्या किया जाए, पहले उसके लिए हम क्या करें, मैं अब उसी पे आखिरी चीज जो है ना उसी पे आना चाह रहा हूँ। चलिए अब आज की बातचीत, ये बातचीत तो मैं फिर से किस दिन आऊँगा आपके पास, फिर से करूँगा ही, आज की बातचीत में एक दो छोटे मोटे प्रश्न और देखते हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा कि सर मेरा मानना है कि प्रीलिम्स की परीक्षा मुख्य परीक्षा की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है, हम इसके लिए क्या करें। मैं आपको थोड़ा सा इस बात का संदर्भ समझाता हूँ और एक प्रयास हमने क्या इस बीच में किया वो भी समझाता हूँ। देखिए प्रीलिम्स में अगर हम तथ्यों से बात करें, प्रीलिम्स पास करने वाले यानी कि मेंस देने वाले, मेंस में अपीयर होने वाले, ये तो एक ही बात है लगभग, है ना, इतना ही हो सकता है कि प्रीलिम्स में पास हुए 10,000, मेंस दिया 9,990 ने, 10 ने मेंस ही नहीं दिया, ये हो सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स में जो रिजल्ट होता है वो मीडियम वाइज नहीं होता, पर मेंस में अपीयर करने वाले मीडियम वाइज होते हैं। तो प्रीलिम्स में हिंदी मीडियम के कितने बच्चे बैठते हैं हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, पर मेंस में कितने बैठते हैं ये पता है, और इसका मतलब प्रीलिम्स के रिजल्ट में उनकी भागीदारी कितनी है ये पता है, प्रीलिम्स देने वालों में कितनी भागीदारी थी ये नहीं पता है। आप समझ गए पूरी बात, तो मैं केवल दो तथ्य देके आपको समझाता हूं, ये कई बार समझाता हूं, आज मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं। 2010 तक जो स्थिति थी प्रीलिम्स पास करने वाले या मेंस देने वालों में, अगर 100 लोग मेंस देते थे तो उनमें से 40 के करीब हिंदी माध्यम के होते थे, क्योंकि उस समय तक प्रीलिम्स का जो तरीका था अलग था, आसान तरीका था, आसान का मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों को फायदा पहुंचाने वाला तरीका था। अलग अलग विषय होता था, आप एक विषय लेंगे, इतिहास विषय लेंगे तो इतिहास का रिजल्ट अलग बनेगा, भूगोल का अलग बनेगा, मैथ्स का अलग बनेगा, हर विषय से एक बराबर परसेंटेज के लोग सफल होंगे। मोटी सी बात समझ लीजिए कि अगर 2 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 20,000 का होना है 10% का, 2 लाख में से 1.5 लाख का विषय इतिहास होता था, तो 15,000 बच्चे इतिहास से ही सिलेक्ट होंगे मेंस देने के लिए, ये तरीका था। और मैथ्स 100 ने ही दिया, 10 का ही होगा। हो सकता है कि मैथ्स में जो 11वें नंबर पे बच्चा था शायद वो इतिहास में सफल होने वाले किसी विद्यार्थी से अच्छा भी रहा हो, पर सब्जेक्ट वाइज होता था। और तब यूपीएससी ने कुछ कमिटीज के आधार पर फैसला किया कि ये तरीका ठीक नहीं है, प्रीलिम्स में एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, एक ही एग्जाम हो सबका, उससे सिलेक्शन होना चाहिए। अब तर्क के स्तर पर यह बात गलत भी नहीं है,
हम ये तो नहीं कह सकते कि आरक्षण मिलना चाहिए या विषय के अनुसार ही होना चाहिए। तो उनका तर्क ये था कि प्रीलिम्स तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, हम क्यों अलग अलग करें। इस बेस पर 2011 से प्रीलिम्स एक हो गया। 2011-12-13 के दौर में जीएस और सीसेट के नंबर जुड़ते थे तो कट ऑफ 241 इस तरह की जाने लगी पहली बार में। तो अचानक हिंदी माध्यम में लगा कि सब खत्म हो गया, क्योंकि सीसेट के नंबर जुड़ेंगे तो कैसे मैनेज होगा। मैथ रीजनिंग वाले जो जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, बैंक पीओ वाले बच्चे हैं, एसएससी वाले बच्चे हैं, उनको तो लीड मिल गए, इंग्लिश के भी प्रश्न आते थे। फिर यह तय हुआ कि नहीं, अब से हम प्रीलिम्स में सीसेट के नंबर नहीं जोड़ेंगे, केवल जीएस रखेंगे। वहां से ट्रेंड थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन उतना गड़बड़ नहीं था। तथ्यों से बात करते हैं, 2015 में जो कुल संख्या है रिपोर्ट में यूपीएससी की, 14,223 लोगों ने मेंस दिया, और इनमें से जो हिंदी माध्यम के थे मेंस देने वाले वो थे 2,433, ये संख्या थी। और परसेंटेज में निकालें तो ये संख्या करीब 17% के आसपास आती है। ये बहुत पुरानी बात तो नहीं, 2015 की बात ही मैं कर रहा हूं। उसके बाद जो लेटेस्ट 2 वर्ष की रिपोर्ट है, हमारे पास 20 तक की रिपोर्ट आ गई है, 2019 और 2020 सबसे मुश्किल वर्ष रहे हैं। 2021 का मुझे पता नहीं है, अब जब रिपोर्ट आएगी, यूपीएससी रिपोर्ट छापती है अपनी, अब 2021 की रिपोर्ट जब आएगी तो उससे पता लगेगा कि क्या संख्या रही। 2019 की रिपोर्ट से पता लगता है कि 19 में 10,705 में से 570 लोग हिंदी माध्यम से मेंस दे रहे थे। अब देखिए संख्या कितनी हो गई है, और ये संख्या लगभग 5% के आसपास आती है। ठीक, अगले साल क्या हुआ, सीट्स कम हो गई। सीट्स कम हो गई तो मेंस देने वाले भी कम हो गए, क्योंकि मेंस देने वाले कितने होते, फाइनल सीट्स का लगभग 12 से 15 गुना के आसपास होते हैं। तो सीट कम होंगे तो मेंस भी कम लोग देंगे, सीधी सी बात है। उसमें अनुपात और अनुपात परसेंटेज में सेम रहेगा, लेकिन संख्या तो कम हो जाएगी। तो 2020 की संख्या जो मुझे आज ही मिली है वो ये कि 9,711 है लोगों ने मेंस दिया, और उनमें से 484 हिंदी मीडियम के थे, 484। और ये परसेंटेज निकालेंगे तो ये 4.99 आती है, यानी कि 5%, इसको भी मान लीजिए। मोटी बात क्या है कि इस समय यूपीएससी में प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद हिंदी माध्यम की भागीदारी कितनी है, 5%। अब इसी से अगले स्तर पर देखिए क्या है। 2010 तक की जो स्थिति है, मैंने तब सूचना के अधिकार के तहत यूपीएससी से कई सवाल पूछे थे, उसमें जो डेटा मुझे मिला था मैं उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। पिछले 7-8 साल का डेटा मेरे पास था, उसमें क्या था कि मेंस अपीयरिंग में हिंदी माध्यम की स्थिति 40-45% रहती थी मेंस देने वालों में। फिर इंटरव्यू में जो अपीयर होते थे, यानी जो मेंस पास करते थे, वो परसेंटेज में क्या हो जाता था, 20-22 के आसपास। ध्यान रखना परसेंटेज भी आधी हो रही है, यानी अगर 100 लोग थे उनमें से 40 थे, पर इंटरव्यू देने वालों में परसेंटेज सेम नहीं रहेगी, परसेंटेज भी आधी हो गई, जिसका मतलब जितना होना चाहिए उससे बहुत कम हो गया। और जो फाइनल सिलेक्शन का ट्रेंड उस समय था, उस दौर में, वो दौर था 8-12% का, 1/12 आमतौर पर 10 के आसपास रहता था। तो फाइनल सिलेक्शन 10%, यानी कि 1,000 लोग होंगे तो 100 के आसपास हिंदी माध्यम के होंगे। ये 2010 तक का ट्रेंड है। आपका जो ट्रेंड है लेटेस्ट, अगर मैं देखूं इस साल का, अगर देखूं इस साल फाइनल सिलेक्शन में जो मुझे दिख रहा है कि अगर 30 के आसपास लोग हैं, हम मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, और वो संख्या है 685 में से, ये संख्या कितनी बन रही है, लगभग 4-4.5% के आसपास बन रही है। अगर ये 34 होंगे तो 5% हो जाएगा, 25 होंगे तो 4% के आसपास हो जाएगा। तो लगभग 4-5% के आसपास फाइनल रिजल्ट हमारे पास है। कितना इंटरेस्टिंग है, सोच के देखिए। और प्रीलिम्स के रिजल्ट में अभी अभी हमने क्या देखा, कितना इस समय हालत है, 5%। पहले की स्थिति क्या थी, 40-45% से शुरू होती थी यात्रा, और 8 से
11-12% में खत्म होती थी। अभी के ट्रेंड में क्या हो रहा है, यात्रा शुरू ही 5% से हो रही है, खत्म भी 4% के आसपास, 5% के आसपास हो रही है। तो मैं दो निष्कर्ष निकालना चाह रहा हूं और मैं जितनी बातें कर रहा हूं तथ्यों के बेस पे करता हूं, आप कहीं से भी तथ्य चेक कीजिए इसके, तो निष्कर्ष ज्यादा अच्छे निकलेंगे। क्या मैं दो निष्कर्ष निकाल सकता हूं? नंबर एक, प्रीलिम्स में हिंदी माध्यम की भागीदारी पहले की तुलना में बहुत कम हो गई है। सही बात, प्रीलिम्स में क्या माना, प्रीलिम्स के रिजल्ट में, यानी मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में। लेकिन एक दूसरा ट्रेंड ये है कि जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस फिल्म्स में है, लगभग वही पूरे एग्जाम में मेंटेन रहता है इस समय। ये भी एक अच्छी बात है। और इसका मतलब ये हुआ, हो क्या रहा है कि 10,000 लोग मेंस देते हैं, उनमें से हिंदी माध्यम कितना, 484-500। अब उन 500 में से ही आप मेहनत कर करके 25% सिलेक्शन करवाएंगे, जो अनुपात सबका वैसा है, यूपीएससी का वैसा है। यूपीएससी में मेंस अगर देंगे 10,000 लोग, जिसका मतलब है कि फाइनल सीटें 680 होंगी, 6.78% रिजल्ट आता है। तो यूपीएससी का रिजल्ट भी 6% के आसपास ही होता है, 6-7% के आसपास। यदि हम 5% के आसपास रिजल्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब दिक्कत इस चीज में नहीं है। अगर प्रीलिम्स में सफलता की दर थोड़ी ज्यादा होती तो स्वाभाविक सी बात है कि अंतिम परिणाम में चीजें और बेहतर हो जाएंगी। इस साल हमने जो प्रयोग किए, एक प्रयोग किया कि मेंस में मेंटरशिप का प्रोग्राम किया, ये हमारी टीम बैठी है, इसी टीम ने किया था वो प्रोग्राम, 12 लोगों की टीम है। जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, मेंस देने वालों को सबको हमने बुला लिया अपने पास, करीब 200-250 लोग थे, जिनमें से 60-70 दिल्ली में थे, बाकी लोग ऑनलाइन कनेक्टेड थे। एक लाइब्रेरी बनाई जहां वो 24 घंटे बैठ के पढ़ सकते थे और हमारे गाइड करने वाले मेंटर साथ में रहते थे। मेंस में सबसे बड़ा संकट क्या है कि बच्चे पूरे आंसर लिख ही नहीं पाते। एक पेपर में 20 आंसर लिखने हैं, 3 घंटे में, 9 मिनट में एक आंसर लिखना है, सोचना भी है तो 8 मिनट मान के चलिए। और जब पहला टेस्ट लिया हमने सबका, तो कई लोगों ने 6 क्वेश्चन छोड़ दिए, किसी ने 7 छोड़ दिए, किसी ने 5 छोड़ दिए, 4 छोड़ दिए। और यदि आप मेंस में क्वेश्चन छोड़ते हैं तो सिलेक्शन की संभावना मान के चलिए कि बहुत कम हो जाती है। इस टीम ने क्या किया, सबको जबरदस्ती लिखवाने का अभ्यास करवाया, रोज 3 घंटे, किसी को रोज 6 घंटे लिखने का अभ्यास। और मैं अक्सर कहता हूं कि लिखते लिखते ना उंगलियां छील लो अपनी, अभी से पूरी स्पीड के साथ अच्छी हैंडराइटिंग में यदि आप 20 क्वेश्चन 3 घंटे में लिख पाते हैं तो मेंस पास करना बहुत मुश्किल नहीं। आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि मेंस पास करना उतना मुश्किल नहीं है, अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है और प्रेजेंटेशन करने का तरीका अच्छा है, कुछ डायग्राम्स, कुछ नक्शे वक्शे बना लेते हैं ठीक से, तो मेंस निकालना बहुत मुश्किल नहीं। वैकल्पिक विषय ठीक हो, निबंध का अभ्यास अच्छा हो और जीएस में ये सारी कलाकारी नॉलेज के साथ साथ करनी आती हो, मेंस आसान है। ज्यादा इस समय चैलेंज क्या है कि प्रीलिम्स होना चाहिए। तो जो 65 लोग लाइब्रेरी में रोज बैठते थे हमारे साथ लगभग, उनमें से 51 का मेंस हुआ इस बार। यूपीएससी का रिजल्ट 19% था, इस ग्रुप का रिजल्ट 80% के आसपास था। अब इस बार हमने क्या किया, इस बार प्रीलिम्स के लिए मेंटरशिप शुरू किया दिसंबर के आसपास। एक लाइब्रेरी बड़ी सी बनाई 400 लोगों की, 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया, 2 शिफ्ट बनाई, 6-7 घंटे की, 18 घंटे की। अब लगभग 400-500 लोग रोज पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, जो दृष्टि के स्टूडेंट्स हैं। टेस्ट हमने लिया उनका कि जो सिंसियर हैं, इस बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको सिलेक्ट किया। परसों मेरी क्लास यहीं पर उनके साथ थी और हमें अब ऐसी फीलिंग है कि उन 1000 में से 300-350-400 के बीच में संभव है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे इस बार। और अगर मैं ये मान लूँ, इस बार सीटें भी ज़्यादा, थोड़ी सी 1000 सीटें हैं, और अगर मैं ये मान लूँ कि प्रीलिम्स पास करने वालों का अनुपात 500 से बढ़ के 700 हो जाए, 800 हो जाए, 1000 हो जाए, जो कि असंभव तो नहीं है। अगर 500 में रिजल्ट 25 है तो 800 में 40 तो हो सकता है और 1000 में 50 भी हो सकता है। तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो हम अब जिस चीज पे ज्यादा बल दे रहे हैं इस समय, वो है कि प्रीलिम्स में बच्चे कैसे पास हों।
और उसके लिए सी सेट का एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलता है, जिनको मैथ्स में दिक्कत है उनकी हेल्प के लिए एक व्यक्ति साथ में रहता है, और जीएस में हम टेस्ट लेते हैं लगातार। अब अगले साल जो मेंटरशिप होगा 2023 के लिए, उसकी तैयारी हमने अभी से कर ली है। पहले तो मेंस का होगा, फिर इंटरव्यू का होगा, लेकिन मेंस के साथ साथ हम क्या करेंगे कि प्रीलिम्स का प्रोग्राम भी शुरू कर देंगे अक्टूबर के आसपास, 6-7 महीने का चलाएंगे इस बार। और हमारी योजना ये है कि हर सेगमेंट पे, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हर सेगमेंट पे कम से कम 2-3 हज़ार प्रश्नों का अभ्यास करवाएंगे बच्चों को, ताकि कितना भी घुमा के प्रश्न आए लगभग सारे प्रश्नों की रेंज में हो। अब इस साल हमने मेंस का मेंटरशिप किया, रिजल्ट उसका अच्छा रहा, हम बहुत संतुष्ट हैं उस चीज़ से। रवि भी उस प्रोग्राम से कनेक्टेड था। इंटरव्यू में इस बार हम उतना ध्यान दे नहीं पाए, लेकिन हमें लगता है कि अगली बार से मेंस खत्म होते ही 3-4 महीने इंटरव्यू पे उन बच्चों को अगर मेहनत करवाते रहेंगे तो और अच्छा होगा। प्रीलिम्स का प्रयोग पहली बार हमने इस बार किया है, उसका रिजल्ट जल्दी हमारे सामने आएगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ बेहतर बात बनेगी। तो फिलहाल आप लोगों के लिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, काफ़ी लंबी बात हो गई, आप थक भी गए होंगे, छोटे बच्चे हैं, पहली बार इतनी लंबी क्लास में बैठे होंगे आप लोग, पहले बैठे हैं जीवन में कभी इतनी लंबी क्लास में? आपके स्कूल कॉलेज में कितनी लंबी क्लास होती थी? 40 मिनट की, 45 मिनट की होती थी, कभी कभी होती थी, और जब होती होगी तो छोटी मोटी क्लास होती होगी, 45 मिनट में 5 मिनट लेट आना, फिर अटेंडेंस 10 मिनट, फिर तो वो आदत उतनी होगी नहीं आपको। आपको पता है कि आप 2.5 घंटे से बैठे हैं क्लास में। अच्छा, ये मेरे बड़प्पन है, आपका नहीं है? अरे आपका भी है भाई, मजाक थोड़ा होता है। चलिए मैं चलते चलते कुछ 3-4 टिप्स आपको देना चाह रहा हूँ, जिसपे अभी से काम शुरू कर दीजिए। जी ऑप्शन के लिए पूछने, पूछिए। समझ गया, ये कह रहे हैं कि क्लास में, सुन तो लो, मैं तुम्हारा प्रश्न तुम्हारी ओर से बोलता हूँ, बताओ तुम यही पूछना चाह रहे थे या नहीं। अनुमान से मैं बताता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं संभवतः कि जब क्लास में ऑप्शनल पढ़ते हैं तो टीचर क्वेश्चन करवाते हैं, पता होते कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनका आंसर लिख भी लेते हैं क्योंकि क्लास में वो हुआ है, लेकिन एग्जाम में ऐसे कई प्रश्न आते हैं जो एग्जैक्टली क्लास में नहीं हुए होते, प्रश्नों की भाषा अलग है, तेवर अलग है, उन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिख पाएंगे, यही पूछना चाह रहे थे। मैं समझ गया था ना। प्रश्न यही था ना, तो इसका उत्तर ये है। देखो, जैसे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हिंदी साहित्य मैंने जब पढ़ाया पिछली बार, अब तो वो क्लासेस रिकॉर्डिंग पे और टेस्ट पे चलती है रोज, कैसे पढ़ाया था, हम क्या करते हैं कि एक टॉपिक लेते हैं, फिर बताते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या प्रश्न आने की संभावना है, वो सब लिखवा देते हैं, साथ में स्टार मार्किंग करते हैं कौन सा प्रश्न कितना संभावित है, 5 स्टार का मतलब आएगा ही आएगा, 4 का मतलब खतरनाक संभावना है, 3 का मतलब अच्छी संभावना है, 2 का मतलब आमतौर पर नहीं आता, 1 का मतलब नहीं ही आएगा पर एक बार देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि आ जाए, इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। कभी कभी 3.5 भी करते हैं, 4.5 भी करते हैं डिग्री के हिसाब से। फिर टॉपिक को पढ़ते हैं, उन सारे प्रश्नों की रूपरेखा बनाते हैं, तैयार कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं यूपीएससी में, किसी पीसीएस में, किसी एमए में, बीए में, आज तक जितने सवाल आए हैं वो सब सॉल्व करते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि जहाँ से कोई सवाल मिले ले आओ उसको भी, बच्चे जो सवाल लाते हैं वो भी सॉल्व कर लेते हैं, और जब उस टॉपिक में 20-25-50 सवाल हो जाते हैं, जब किसी के पास कोई सवाल नहीं बचता, फिर हम मान लेते हैं कि हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे करते करते 157 लेक्चर्स में वो सब्जेक्ट पूरा हुआ। उसका परिणाम ये है कि पिछले 3 साल से हमें अब तक लगभग ऐसा एक भी सवाल नहीं दिखा यूपीएससी में जो क्लास में ना हुआ हो, और उन सबके मॉडल आंसर्स भी बना के बच्चों को दे देते हैं कि आपको वो मेहनत भी नहीं करनी है, बस आंसर देखना है, पॉइंट ध्यान रखने हैं, जाके लिख देना है। ऑप्शनल की तैयारी जब भी करें इसी लेवल पर कीजिएगा, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए ऑप्शनल में, तभी उसकी पकड़ बनती है, उसके बिना नहीं बनती है, ठीक है। चलिए अब मैं बोलूँ आगे जो बचा हुआ था, केवल 3-4 बातों को ध्यान रखना है, अभी 2 मिनट रुकिए, 3-4 बातों को ध्यान रखना है। जब आप क्लास में पढ़ेंगे कोई भी सेगमेंट,
जैसे मान लीजिए कल से पॉलिटी शुरू होगा, राजव्यवस्था, टीचर पढ़ाएंगे अच्छे से, नंबर वन ध्यान रखना है टीचर पर। टीचर पर मतलब ये नहीं कि टीचर कहाँ गया, कहाँ से आया, टीचर क्या पढ़ा रहा है उस पर, है ना, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना है। सब टीचर्स आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के पढ़ाएंगे, उनको बनाते रहिए साथ में, जो वो समझाएंगे सबसे पहला आधार वही है आपका। नंबर दो आधार है, आपको प्रिंटेड नोट्स की बुकलेट्स मिल गई होंगी अब तक, नहीं तो आजकल भी मिल जाएंगे। मिल गई आपको? आमतौर पर मिल जाती है शुरू में ही, बोरी मिली थी भर के, हाँ। तो उस बोरी में जो जो चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ है नोट्स, करीब 9 बुकलेट्स होंगी, एक पे लिखा होगा भारतीय राजव्यवस्था या संविधान और राजव्यवस्था, वो नोट्स हैं आपके। तो जब तक सर पढ़ाएं उनको साथ में फॉलो करना है, वो आपको बताते भी रहेंगे कि आज ये टॉपिक पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, उसको पढ़ते रहिए। अगर कोई टीचर आपसे कहें कि इस सेगमेंट के लिए कोई विशेष पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत है, तो जिस पुस्तक का नाम वो बताएं उसको भी ले लीजिए। आमतौर पर ऐसा शायद ही कोई कहे, कभी हो सकता है ये कहें कि उस किताब में एक चैप्टर है वो देख लीजिए, ऐसा होगा। अगर कुछ कहें तो उसको देख लीजिए, न कहें तो आपके नोट्स बनाने वाली टीम बहुत कोशिश करती है कि सारी बुक्स की महत्वपूर्ण चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएं, आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े। हम कोशिश करते हैं कि एक सौ से काम चल जाए, वो नोट्स है। अब ध्यान से सुनो चौथी बात, जैसे ही एक सेगमेंट पूरा हो जाए, इसके दो मतलब हैं, एक तो है कि पॉलिटी पूरा 50 55 60 क्लास में पूरा हो गया, एक पॉलिटी के चार पांच हिस्से हैं उनमें से एक हिस्सा पूरा हो गया, एक पहला चैप्टर पूरा हो गया, तीनों मतलब हो सकते हैं जैसा टीचर आपसे कहे। जैसे ही एक टॉपिक समाप्त हो, जो बोरी मिली है उस बोरी में एक चीज मिली है PPS, इसको बोलते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, 6 किताबें हैं हर सेगमेंट की, एक किताब। उस सेगमेंट के अलग अलग टॉपिक से जितने सवाल आज तक UPSC में, PCS में, NDA में, CDS में, CAPF में, UGC में आए हैं, हमने सब इकट्ठे करके कंपाइल कर लिए हैं। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा, कोई टॉपिक राष्ट्रपति पढ़ा, अब राष्ट्रपति क्लास में हो गया, समझ में आ गया, उसके बाद राष्ट्रपति वाला टॉपिक यहाँ निकाल लीजिए, उस पर जितने सवाल हैं उन सब के आंसर देखिए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपके 80% आंसर ठीक हो रहे हैं प्रीलिम्स में, इसका मतलब है कि आपका लेवल एकदम ठीक है। 100 कभी नहीं होंगे, पहली बता रहा हूं, और 100 हो जाए तो चिंता की बात है, क्योंकि 100 होने का मतलब ज्यादा संभावना है कि आपने पहले आंसर देख लिए थे फिर टिक करना शुरू किया था, वरना इसमें 100 नहीं होते। प्रीलिम्स में 80%, इस बार देखा क्या रिजल्ट आया 2021 के प्रीलिम्स का, 200 में से 87.5 मार्क्स जिसके हैं उसका प्रीलिम्स हो गया है जनरल में, ये कट ऑफ है। और 88 का मतलब क्या हुआ, 44 सवाल 100 में ठीक करने हैं, 100 में जिसके 44 सवाल ठीक है नेट नेगेटिव हटा के खत्म, 50 सही सवाल कर दो, 6 × 3 = 18 गलत कर दो, प्रीलिम्स हो जाएगा। 50 सही 18 गलत 68 किए थे, प्रीलिम्स हो गया। 3 गलत और 1 सही बराबर होता है, 44 पे हुआ है तो 44 के ऊपर जितने गलत किए हैं उसके 1/3 सही एक्स्ट्रा कर देना बस। जैसे आपने 44 के ऊपर 10 सही किए तो 30 गलत करके आ जाओ, 84 किए थे उसके में 54 ठीक थे 30 गलत थे तो भी हो गया प्रीलिम्स। कुल मिला के 44 प्रश्न खड़े होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटा के, 44 के लेवल पे जा रहा है मामला, 44 क्वेश्चंस। तो आप सोच के देखिए 100 में 44 सवाल जिसके ठीक है उसका प्रीलिम्स हो जाता है, और लोग लगे हुए कि सर 80% ही हो पा रहा है, मेरा तो 90% हो ही नहीं पा रहा। प्रीलिम्स में टॉप मत कीजिए, है ना, हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होने, उसे स्मार्ट तरीके से पास करना है। PPS में जितने सवाल हैं उनको कम से कम 2-2-3-3 बार पढ़ना है, जो ऑप्शन सही है वो क्यों सही है, जो गलत है वो क्यों गलत है, व्याख्या भी दे रखी है उस व्याख्या को पढ़ना है। और हालत ये होनी चाहिए जैसे पॉलिटी पढ़ेंगे उस पर कम से कम 1500-2000 प्रश्नों का अभ्यास यहाँ पर हो जाएगा, इकोनॉमी में इतना होगा, ज्योग्राफी में 2000 से ऊपर सवाल दे रखे, और जिसने इन सारे सवालों का अभ्यास ठीक से कर लिया, 2-2-3-3 बार कर लिया,
मेरे हिसाब से 75% चांस है कि प्रीलिम्स उसका वैसे ही हो जाएगा। और इसके साथ में मेंस का अभ्यास करना शुरू कर देना है। मेंस के अभ्यास का मतलब क्या है? पहला काम 8 मिनट में 200 से 250 शब्दों को लिखने की राइटिंग स्पीड, जिन्हें पढ़ा भी जा सके अच्छी हैंडराइटिंग में, सिंधु घाटी की लिपि में नहीं, अच्छी हैंडराइटिंग में। कोशिश करो 250 की। यूपीएससी बोलते 200 शब्दों में लिखो, आप टेंशन मत लीजिए, कोई गिनता नहीं आपके शब्द वहां पर कितने हैं, 220 हो जाए 30 हो जाए टेंशन मत लीजिए, आंसर अच्छा होना चाहिए। साथ में नक्शा बनाना सीख लो, विशेष रूप से भारत का, क्योंकि जीएस में 2-3 क्वेश्चंस में नक्शा वक्शा बना के आएंगे ना, कहीं भारत का, कभी किसी स्टेट का, कभी दुनिया में किसी खास इलाके का नक्शा, उससे प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर हो जाती है। हमारे समय में जीएस की उतनी वैल्यू नहीं थी, तो हम भारत का केवल नीचे का नक्शा बना लेते थे, उससे काम चल जाता था हमारा। आपको ऊपर का भी आना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नक्शा वक्शा बनाना सीख लीजिए। तो मेंस में एक काम ये करना, दूसरा जो सेगमेंट क्लास में हो जाए उस पर आपको 5 बुक्स मिली हैं, उनका नाम है मेंस कैप्सूल सीरीज, देखिए उसको खोला है जो मिला था। हाँ, मेंस कैप्सूल सीरीज में क्या है कि हर पेपर, 4 पेपर होते हैं और एक करंट अफेयर्स के अलग से मामले हैं, हर पेपर में कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं वो और उनके आंसर कंपाइल किए होंगे, ताकि जैसे एक सेगमेंट खत्म हो मेंस के हिसाब से भी आप उसको देख लें क्या क्या चीज़ें हैं, और उससे आपको ये फीलिंग आएगी कि तैयारी आपकी एक लेवल पे पूरी हो गई है। उसके बाद तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने का काम रह जाता है। यहां तक स्पष्ट हुआ? ऐसे के लिए मैं अभी से आपसे कह रहा हूं, कम से कम 50 ऐसे लिखने का अभ्यास करना है। अमूर्त एसेज पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। अपनी निबंध की किताब है दृष्टि की, निबंध दृष्टि, उसमें ऐसे बहुत सारे निबंध हैं, उनसे आप आइडिया चाहें तो ले सकते हैं। और अच्छी अच्छी कोटेशंस को अभी से इकट्ठा करना और एक डायरी मेंटेन करने शुरू कर दीजिए। अगर आप हिंदी साहित्य में हैं तो कोटेशंस वहाँ अपने बहुत सारी मिल जाएंगी, कोई और विषय ले रहे हैं तो कोटेशंस पे काम विशेष रूप से अभी से करना शुरू कर दीजिए। स्पष्ट हुआ? इंटरव्यू के लिए अभी से क्या करना है, 3-4 दोस्तों का ग्रुप बनाना है। कोशिश करना ग्रुप तालिबान टाइप का ना हो कि सारे लड़के सारी लड़कियाँ, ऐसा मत करना, थोड़ा सा मिक्सिंग रहेगा तो कम से कम कॉन्फिडेंस आपका और अच्छा रहेगा। मैंने ऐसे कई लड़कों को देखा है कि पूरी दुनिया के सामने बोल सकते हैं, किंतु जहाँ एक लड़की सामने आती है वहाँ पसीने छूटने लगता है उसके बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ पता लगा 2 मैडम बैठी हैं, आप नज़र नहीं मिला रहे उनसे, मैडम कह रही है आपका क्या नाम है, आप कहीं और देख के बोले जिससे बड़ा ख़राब लगता है। ऐसे नहीं करना, थोड़ा स्मार्ट बनना है ना। तो थोड़ा ग्रुप इस तरह का बनाइए कि मिक्स ग्रुप रहे, जिसमें बातचीत करने की सहजता आपकी ज़्यादा हो, तो चीज़ें और बेहतर होंगी। जो हम अपने स्तर पे करेंगे वो ये, सब पहले आए क्या बात है, जो हम अपने स्तर पे करेंगे वो ये कि आपकी क्लासेस, क्लास टेस्ट, नोट्स, टेस्ट सीरीज, उन सब चीज़ों पर लगातार काम करेंगे। उन सब चीज़ों की अंतिम जो जिम्मेदारी है वो मेरी रहेगी, मैं बीच बीच में कभी कभी आऊँगा, बाकी टीचर्स भी आपसे पूछते रहेंगे। कल से हम शुरू करेंगे आपका कौन सा सेगमेंट, क्वालिटी। देखिए अभी 2-3 प्रश्न आए हैं, आप चाहें तो मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ, पर ये पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल का मतलब एक व्यक्ति की पर्सनल प्रॉब्लम है। हाँ, एक प्रश्न अच्छा आ गया है, क्या NCERT पढ़ने की ज़रूरत है? देखिए सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, NCERT पढ़ना बुरा नहीं है, जीवन में कई ऐसे काम हैं जो बुरे नहीं हैं, सवाल सिर्फ इतना है कि उतना समय है यानी आपके पास। अगर आप NCERT शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से अब देर हो चुकी है, अब शुरू मत कीजिए NCERT। बेहतर है कि आप पहले पढ़ के आते तो और अच्छी बात थी, लेकिन नहीं पढ़ के आए तो चिंता नहीं करनी है। क्यों नहीं चिंता करनी है? क्योंकि हम सब टीचर्स की जो पॉलिसी है वो ये कि हम शुरुआत करते हैं 0 लेवल से, हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, जैसे पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, हमारा एजम्पशन है कि स्टूडेंट्स की जानकारी नहीं है, हम शुरुआत 0 से करेंगे। और 0 से करेंगे तो NCERT पढ़िए तो भी समझ में आएगा, नहीं पढ़िए तो भी समझ में आएगा। आपको समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, सारा सिलेबस। अगर NCERT पढ़ने का बहुत मन है ना, तो
तो जब क्लास में कोई सेगमेंट खत्म हो जाए, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया वाला हिस्सा है मेजर, वो आपको मणिकांत सर पढ़ाएंगे, बाकी एक टीचर और हैं छोटे हिस्से वो पढ़ाएंगे। जब हिस्ट्री क्लास में हो जाएगा, जैसे मॉडर्न इंडिया मान लीजिए मणिकांत सर ने पढ़ा दिया आपको, वो 40 दिन लगाएंगे, पहले 30 दिन था तो हमने कहा कि वो महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो अगर 40 दिन पर सहमति बनी कि 40 दिन में पूरा विस्तार से क्या प्रीलिम्स क्या मेंस का इंटरव्यू सब खत्म करवा देंगे। अब 40 दिन मॉडर्न इंडिया पढ़ने के बाद अगर आप उसके बाद एनसीईआरटी उठाते हैं उसकी, तो जो एनसीईआरटी अभी पढ़ने में आपको लग जाएंगे शायद 15 दिन, वो उस समय पढ़ने में लगेंगे आपको 3 से 4 दिन मुश्किल से, बहते हुए पढ़ेंगे फिसलते हुए, एक भी बात परेशान नहीं करेगी, सारा समझ में आ रहा होगा। और सबसे अच्छा क्या होगा, कोई भी टीचर हर चीज तो नहीं पढ़ा सकता क्लास में, तो एनसीईआरटी पढ़ते हुए क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है क्लास में, तो आप तुरंत उन चीजों को अंडरलाइन कर पाएंगे जो क्लास में नहीं हुई थी, और पूरी किताब में से ऐसी 20-25 पॉइंट्स अगर निकाल लिए तो वही तो सार है, बाकी तो पढ़ लिया था क्लास में, डबल क्यों पढ़ना है। तो अगर आपका एनसीईआरटी पढ़ने का मन हो, स्पेशली जिनको अटेम्प्ट लेट देना है 2024 में देना है, वो पढ़ सकते हैं चाहे तो, पर क्लास से पहले पढ़ने की जिद मत रखिएगा, क्लास के बाद पढ़िएगा तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। और क्लास के साथ में प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज मेंस कैप्सूल उनको विशेष रूप से पढ़िए। करंट अफेयर्स पढ़ने की अभी आपकी स्थिति रही कि आप शुरुआत वहाँ से करें, आपको हम एक मैगजीन देंगे जब तक बैच चलेगा करंट अफेयर्स के लिए, अभी पढ़िएगा मत उसको, उसको कैसे पढ़ना है कब पढ़ना है हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए करंट अफेयर्स आपका विषय नहीं है, अभी शुरुआत कीजिए पहले। जब एक सेगमेंट हो जाएगा उस सेगमेंट के करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देना है, अभी के लिए केवल रुचि के स्तर पर आप यूट्यूब चैनल पे जो प्रोग्राम आता है ना दुनिया इस हफ्ते और करंट न्यूज़, उसको देखते रहिए ताकि आपको आइडिया रहे कि दुनिया में क्या चल रहा है, अभी उससे ज़्यादा करंट अफेयर्स की ज़रूरत आपको नहीं है, 1-2 महीने के बाद उस पर हम फिर से बात करेंगे और काम करेंगे, ठीक है। तो जी ऐसा भी है, यूपीएससी रिपोर्ट निकालती है हर साल अपनी, उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि कितने लोग इस ऑप्शन में थे, कितने का सिलेक्शन हुआ, परसेंटेज क्या है, बस उस परसेंटेज में ना मीडियम वाइज परसेंटेज नहीं मिलती है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये बात सही है कि जो विषय ज़्यादा लोग लेंगे संभावना की ज़्यादा सफल भी होंगे, लेकिन अनुपात सबका बराबर नहीं है। जैसे हिंदी मीडियम में लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इनमें लंबे समय तक कई लोगों ने विषय रखे हैं पर रिजल्ट का अनुपात बहुत ही खराब रहा है, तो ये एकदम प्लेन स्टेटमेंट नहीं है कि हर सब्जेक्ट में सेम अनुपात रहेगा, पर प्रपोर्शन का अंतर तो दिखता ही है। तो आज हम यही समाप्त करेंगे, अभी आप लोग बैठे रहिएगा। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं क्या? Yes. कौन सा पढ़ते हैं? आखिरी सवाल के जवाब दे देते हैं, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें और कैसे पढ़ें। देखिए इसका जवाब बहुत कॉमन सा है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपको अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर होता है, तो अखबार पढ़ सकते हैं। ये क्या है, इनका सवाल है कि जब ST SC गर्ल्स को IPS के लिए हाइट में आरक्षण है तो फिर OBC गर्ल्स के लिए क्यों नहीं है, इससे OBC लड़कियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसका सही जवाब पता है क्या है, SC ST गर्ल्स का भी नहीं है। नहीं मैं बताता हूँ, बैठिए बताता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बताऊंगा ना, बैठिए बताता हूँ। ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, हाइट जो IPS के लिए चाहिए पुरुषों को 165 सेंटीमीटर चाहिए और लड़कियों को मेरे ख्याल से 150 सेंटीमीटर का है उसमें, हाँ 150। आप आराम से बैठिए, मैं प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा आपका, आप तनाव मत लीजिए, आप बैठ जाइए। इनका कहना है कि SC ST लड़कियों को हाइट में थोड़ी छूट मिलती है तो OBC लड़कियों को क्यों नहीं मिलती है। ये गलतफहमी इसलिए हो जाती है क्योंकि UPSC ने हाइट के मामले में जो छूट दी है केवल उन ट्राइबल्स को दी है या नॉन ट्राइबल्स को भी दी है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र ऐसे में रहते हैं जहां एवरेज हाइट कम होती है, ST को नहीं मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को मिलती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में एवरेज हाइट लोगों की कम होती है,
सभी एसटीज को नहीं मिलती, केवल वो एसटीज जो उन पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, और एसटीज ही नहीं, वो जनरल भी हो सकते हैं। और एससी के लिए हाइट में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है कि उनकी हाइट कम हो तो चलेगा, ये कन्फ्यूजन है। हाइट का संबंध तो फिजिकल स्ट्रक्चर से है ना, और वो आरक्षण केवल उनको मिलता है, आरक्षण नहीं छूट मिलती है जिनके एरिया में एवरेज हाइट लोगों की कम है। अब सोचिए भारत में ऐसा कर दें कि आईपीएस की मिनिमम हाइट 6.5 फुट कर दें, फिर तो देश में 180 लोग मिलेंगे, उतने चाहिए, काम ही खत्म। तो हाइट तो तय करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हम किस समाज में रहते हैं, वहाँ की एवरेज हाइट कितनी है, उसके हिसाब से तय करते हैं। अब आखिरी सवाल आज के लिए इनका है, वो है न्यूज़पेपर, इसके बाद कोई सवाल नहीं, फिर से आऊँगा ना कुछ, फिर बात करेंगे, आप नीचे कर लीजिए। अभी आखिरी सवाल सुनते हैं पहले। अखबार देखिए, अगर आप इसलिए पढ़ते हैं कि आपको करंट अफेयर्स की जानकारी चाहिए, करंट अफेयर्स की जानकारी अगर चाहिए, ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, अखबार पढ़ने से लाख गुना बेहतर है कि कोई एक अच्छी वेबसाइट या कोई एक अच्छी मैगजीन फॉलो कीजिए, क्योंकि दुर्भाग्य से हिंदी में अभी कोई ऐसा अखबार है नहीं जो आपको यूपीएससी के लेवल के करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, एक भी अखबार नहीं। आप कहेंगे कौन सा पढ़ें, पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत मन करता है पढ़ने का, बहुत मन करता है, उसके बिना रहा नहीं जाता आपसे, अगर तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण ठीक अखबार है, दैनिक हिंदुस्तान भी ठीक अखबार है, इनमें से कोई एक पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर बहुत मन करता है पढ़िए, क्या दिक्कत है, मजा तो आता है अखबार पढ़ना। उसमें आखिरी पेज पे हीरो हीरोइन किसका क्या चल रहा है वही पता लग जाता है, वही पढ़िए, क्या दिक्कत है। लेकिन यूपीएससी के लेवल के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सबसे आसान उपाय बता रहा हूँ, या तो जो मंथली मैगजीन मिलेगी उसको ठीक से फॉलो कीजिए, और नहीं तो जो हमारी वेबसाइट है दृष्टि की, drishtiis.com, वो मैगजीन से भी ज़्यादा बेहतर इस मामले में कि उसमें रोज़ अपडेशन होते हैं, टैगिंग है, टैगिंग का मतलब समझ रहे हैं, उस पर अकाउंट बना लीजिए। अब जैसे मान लीजिए पॉलिटी क्लास में हो गया, अब पॉलिटी के मेन से क्वेश्चन या पॉलिटी के मेन से करंट अफेयर्स देखने हैं, पॉलिटी मेंस क्वेश्चन आंसर तीन टैग सिलेक्ट कीजिए, जितने क्वेश्चन आंसर पॉलिटी पर मेंस के बनते हैं सारे आपके सामने आ गए, अभ्यास कर लीजिए, पॉलिटी मेंस करंट अफेयर्स आर्टिकल, सारे आर्टिकल एक साथ आ गए, और आप जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे अखबारों में ना बहुत उलझ जाएंगे, बिखर जाएंगे, कई घंटे खराब कर देंगे। हमारी टीम में ना 10-15 लोग हैं इंग्लिश में, 10 हिंदी में मिलके काम करते हैं, वो 10-10 अखबार पढ़ के आपके हिसाब से एक आर्टिकल तैयार करते हैं, हेडिंग्स के साथ, पॉइंट्स के साथ, बुलेट पॉइंट्स के साथ, और एग्जाम में अंत में आपको पॉइंट्स ही लिखने होते हैं, उससे ज़्यादा समय ही नहीं होता लिखने का। तो जब कुछ मतलब सवाल वही है, मैं मजाक में बोलता हूँ, लाइटर के ज़माने में पत्थर भिड़ा के आग क्यों निकालना चाह रहे, क्या ज़रूरत है। तो नंबर एक, इस दृष्टि से अखबार मत पढ़िए, ये नंबर एक हुआ। अगर आप अखबार इसलिए पढ़ते हैं कि आपके विश्लेषण क्षमता बढ़ जाए, तो मैं कहूँगा कि हाँ अखबार कभी कभी लेख पढ़ लीजिए, लेकिन कोशिश करना कि केवल एक अखबार मत पढ़ना, वरना एक अखबार पढ़ने से विचारधारा एक तरफ घूम जाती है। तीसरी चीज़ है भाषा, अखबार पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा क्या है, अगर अच्छा अखबार है उससे आपकी भाषा अच्छी होती है, आप उसको पढ़ेंगे बार बार तो नए शब्द मिलेंगे, नए तरह के कोटेशंस मिलेंगे, नए तरह के वाक्य मिलेंगे, ये अकेला फ़ायदा है जिसके लिए अखबार पढ़ना ठीक लगता है। और चौथा, मैं अक्सर बोलता हूँ बच्चे इसलिए अखबार पढ़ते हैं कि मनोरंजन हो जाता है, सुबह सुबह उठे पता लग गया कि कैटरीना की शादी हो गई है, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अब कम से कम एक तरफ से मैं निश्चिंत हो गया। वो सब अगर आपको अच्छा लगता तो उसे पढ़ लीजिए, वरना मोबाइल के ज़माने में कहाँ ये सब कोई अखबार में ढूंढता है, सब तो मोबाइल पे है ही आपके पास। इसलिए अखबार पढ़ना है तो दिन में आधा घंटा पढ़िए, उससे ऊपर मत पढ़िएगा, और आधे घंटे में एक आध लेख पढ़ लीजिए, और लेख पढ़ने के मूल उद्देश्य केवल दो हैं, एक तो भाषा सुधर जाए, अच्छा मुहावरा मेरे नोट कर लीजिए, अच्छा शब्द मेरे नोट कर लीजिए, उसका प्रयोग कीजिए, और दूसरा किसी मुद्दे पर एक दो लेख पढ़ने से एक विश्लेषण की क्षमता, प्रवाह कैसे बनता है, निबंध लेखन में चीज़ें कैसे जोड़ सकते हैं, उसका बेनिफिट मिल जाता है, वो फ़ायदा उठा लीजिए। ठीक है,
मैं जल्दी ही फिर से आप लोगों से मिलूंगा आज के लिए, क्योंकि यहाँ दूसरी क्लास का टाइम होने वाला है। एडिटोरियल का मतलब होता है छोटे छोटे साइड में दो होते हैं, मैं मेन आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, मुख्य लेख पढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक है। अब आप लोग यहाँ बैठिएगा, पहले मैं निकलूँगा क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम है, और जल्दी ही मैं आपसे फिर से मिलूँगा। कल से क्या पढ़ना है आप लोगों को? पॉलिटी ठीक से पढ़िएगा, समझ में सारा आएगा, टीचर बहुत अच्छे हैं, और जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो कीजिए, ठीक है? धन्यवाद।